हेलो। स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराड्यम वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हम लोग अभी संभाषण शुरू करेंगे, उसके लिए आप लोग 2 मिनट रुक जाए, मैं सभी लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। तो अभी हम लोग संभाषण शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर ये बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं हट जाऊँ तो आप लोग थोड़ा ये चलते रहने दीजिएगा। तो मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। जी सबसे पहले डॉक्टर मयंक जी, आप कुछ अपने केसेस बताएंगे सर? जी सर। कोई केस बताइए सर। सर मेरा एक केस चल रहा था, आपको पता हो तो, मेलाजमा वाला। हाँ हाँ, आपने क्या दिया? जी सर, उस पेशेंट को आम पाचक वटी दिया था। हाँ, और रस पाचक, रक्त पाचक। अच्छा, आम पाचक 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को। अच्छा, रस पाचक 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। और रक्त पाचक भी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। अच्छा, और खाना खाने के बाद में आरोग्यवर्धिनी वटी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। हाँ, और सर दाढ़ी मास्टर चूर्ण दे रहे हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। अच्छा, और साथ में वंग भस्म भी दिया है। अच्छा, तो कैसा क्या रिजल्ट आ रहे हैं? सर पेशेंट थोड़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि मतलब उनको शुरुआत में तो भूख लग रही थी, उसके बाद में अभी पिछले 4-5 दिन से भूख लगना बंद हो गई। जी, और सारे दिन वो बेल्जिंग रहती है, मतलब तो गले में। आप उनको आते पाचन यूज दीजिए ना बिना भूख के, क्योंकि अभी क्या है वर्षा ऋतु है तो अपने भूख कमी हो जाती है। हाँ। तो आप क्या देंगे, यूज कल्पना दीजिए। आप थोड़ा पढ़ा दीजिए और यूज पे रखिए पेशेंट को। ठीक है सर, ठीक है। और आपको दवाई मिल गया? और बाकी जैसे सर ऐसी कोई टेबलेट तो नहीं है जिसकी वजह से भूख कम हो रही हो, या जैसे नहीं, अपने नहीं, दे नहीं, रही हो? ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है। हाँ, इस यही दवाई चल रही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल दवाई रहा है। मिला क्या कुमकुमारी आपको? तेल, कुरियर कुमकुमारी तेल जरूर ये चेहरे पे लगा रहे हैं। हाँ कुरियर मिला क्या स्पीड पोस्ट? हाँ मिल गया सर, मिल गया, अभी कल ही आया था। हाँ सुनिए, आपने रस पाचक रक्त पाचक जो है ना, वो थोड़ा आप कितना 2 BD दे रहे होंगे? हाँ सर 2 BD दे रहे हैं। उसको 1 BD कर दीजिए, क्योंकि वो ठीक है सर। हाँ तिक्त रसात्मक होता है ना, और वो हर्बल है, तो थोड़ा कम कर दीजिए। और उनको पेशेंट को बिना भूख के नहीं खाना खाना है,
वन बीडी कुछ दिन दीजिए अग्नि प्रदीप्त होने तक, बाद में टू बीडी करिए, और ना यूज पे रखिए उनको, ठीक है सर, ठीक ठीक है? फिर है। बताइएगा सर। और कोई चेंज करना है सर मेडिसिन में तो बता दीजिए, 10 दिन मेडिसिन में पूरा बाकी कंप्लीट हो सब गया ठीक है। इसलिए। क्या है ना, ये जो हम लोग रस पाचक देते हैं, कभी कभी हाँ हाँ होता है ऐसा, बहुत बार पाया जाता है, हाँ इसीलिए हाँ हाँ इसीलिए आयुर्वेद में किस बोलते हैं, लंगनम स्वेदनम कालो ये वागोस तिक्त को रसा, तिक्त रस जो है ना वो बाद में दिया जाता है, पहले लंगन कराया जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए लंगन कराए, और ये या तो रस रस पाचक पाचक हटा ही दीजिए अभी कुछ दिन, 7 दिन पहले लंगन, पहले तिक्त रस भी ज्वर आपा चेक कर में लेंगे। स्टार्टिंग में कि ज्वर में तिक्त रस देना है, नहीं बोला है ना? ठीक है सर, ठीक कल है। आम पाचक वटी दीजिए, यूज पे रखिए पेशेंट को जितना देर तक रह सकता है उसका, थोड़ा भूख, और लवण भास्कर चूर्णिया को आसवर स्टार्ट कर दीजिए, जैसे झंडू अच्छा पंचायत सर, दाढ़ी द्राक्षा मास्टर चल रहा है तो अभी लवण भास्कर और दे दूं साथ में? दाढ़ी मास्टक से इतना अच्छा भूख लग रहा है क्या? खुल के लगना चाहिए, नहीं नहीं लग रहा सर। हाँ इसलिए लवण भास्कर देंगे, वो अम्ल है और लवण है तो उससे ज्यादा भूख हाँ लगेगा। ठीक है सर। और ठीक गले है, में? हाँ, क्या गले में? ये पेशेंट बोल रहे हैं कि ताड़ी मास्टक जो है गले में चिपक जाता है, ऐसा बोल रहे हैं तो दाढ़ी इसलिए। मास्टक हटा ही दीजिए। हाँ पेशेंट है ठीक है क्या, सर। अभी बात कर सकते हैं? हाँ सर जरूर। हाँ सर, नमस्कार। सर कृपया वीडियो ऑन करिए ना, देखना चाहते जी हैं। सर। हाँ सर, आपको क्या भूख एकदम बंद हो गया है? हाँ सर, भूख लगता ही नहीं है, ये कब से हो रहा है आपको? ये 3-4 दिन हो गए सर। और दवाई शुरू करके कितना दिन हो गया? दवाई लेने के बाद तो 3-4 दिन तो सुबह 10-11 बजे भूख लग जाती थी। अच्छा, तो आप क्या कहीं मतलब बिना टाइम के खाना खाए, टाइम नहीं नहीं? सर, मैं नहीं नहीं सर, टाइम होता अगर भूख लगी तभी खाता हूँ सर। आपने कहा था नहीं, ना भूख लगे तभी ये खानी है। पूछना है कि ये जब पहले तो शुरुआत में भूख लगी, बाद में आपने जी रात्रि जी जागरण किया या फिर लेट सोते थे, लेट उठते थे, ऐसे कुछ किया उल्टा पुल्टा नहीं फ्रिज सर, का? एक दिन ही नाइट ड्यूटी थी, बाकी तो नहीं था। हाँ, तो नाइट ड्यूटी के बाद ही आपका अग्नि डाइजेशन वीक हो गया ना? ठीक है सर, अब समझ गया, कुछ ना कुछ जी हेतु सर। रहता है, आपका नाइट ड्यूटी के बाद ही भूख कम होने लग गया ना? हाँ सर, वो तो एक दिन ही था। तो कितना देर तक जागे थे नाइट ड्यूटी को? वो तो सर 3 बजे तक। हाँ, उसके वजह से ही बॉडी में ड्राइनेस आया, वायु का प्रकोप हुआ, उसके वजह से ही ऐसा हो गया। तो जी अभी सर, आपको क्या करना है कि दाल का पानी पीना है, जी सर, 1-2 दिन दाल का पानी पी के रहना है, और आम पाचक वट्टी और लवण भास्कर चूर्ण इतना ही लेके रखिए, बाकी दवाइयां हटा दीजिए अभी। ठीक है, ठीक है सर, किसी को इनके ठीक। केस में कुछ ऐड करना है तो करिए, मैंने जो बोला है वो सही है क्या? आप लोगों को क्या लगता है मैंने जो बोला? अभिलाषा मैम, शशि मैम, आपको सही लगा मैंने जो बताया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मैंने जो हेतु निकाला, रात्रि जागरण हुआ इसलिए ऐसा हुआ? ठीक है हाँ सर, सर, सही है। हाँ तो ठीक है, अभी आप इतना करिए सर, और उसके बाद फिर आइएगा कल परसों, फिर बताइएगा। जी सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। और देखिए, मेरे को ना इंट्यूशन हुआ कि मयंक जी से आज बात करना चाहिए, और सच में वो हाँ सही है जी। सर, मैं खुद आपसे बात करने के लिए मैंने कहा आज बात करते हैं, बहुत दिन हो गए, एक बार सर से क्लियर कर आपके लेते हैं वहां दिल पे। की आवाज मेरे तक टच हो गई, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बुलाया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई केस डिस्कस करना है तो करिए प्लीज। अभिलाषा मैम, आपकी भाभी जी कैसी हैं? सर नमस्कार। सर वो ठीक है सर, बस बस्ती का वो अरेंज हो गया है, तो वो मुझे करनी है बस क्या अभी उनको। सिरिंज और कैथेटर मिल गया? जी, और पेन पहले से कितना इम्प्रूव है? पहले से पहले से इम्प्रूव है, लेकिन एक्चुअली सर उनका वो हो जाता है कि जैसे काम काफी ज्यादा है आजकल यूनिवर्सिटी में, तो काफी बैठना पड़ रहा है, तो उससे पेन बढ़ जाता है। कल कटी बस्ती फिर करी थी उनकी। जी सर, बैठने से पेगावरोध भी होता होगा? जी सर, 10 से 12 घंटे उनको बैठना पड़ता है, तो ये सब है। ठीक है, आप बस्ती करिएगा फिर बताइएगा।
जी सर जी, मैं तुरंत बताऊंगी आपको। आपको जी अभी सर, आयुर्वेद का ऐसे एकदम क्लियर क्लियर समझ रहा होगा ना कि ऐसे करते हैं ऐसे। हाँ सर, बहुत क्लियर समझ में आता है, और एक्चुअली इतना कुछ आयुर्वेद में हम कर सकते हैं, मुझे यही नहीं इतना पता था सर। तो वही हर डिजीज, मतलब बड़ी से बड़ी डिजीज में हम लोग इतना कुछ आयुर्वेद से ही है सर। मैं जब कॉलेज जाता था ना, तो बहुत सारे चिकित्सक लोग ना ट्रीटमेंट करते थे लेकिन बताते जी नहीं, सिखाते नहीं थे, तो पता ही जी 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 नहीं चलता जी था। कि फिर मैं हमेशा तड़पते रहता था कि कोई सिखाए, कोई डिस्कस करे क्या बीमारी है। जी 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 सर सर, आप बहुत क्लियरली आप लोग सब बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक डॉक्टर यू सर। अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। सर मैंने एक केस आप डिस्कस करना था। करिए। सर मेरे पास एक पेशेंट है, 25 ईयर्स फीमेल है वो। हाँ उसको क्या अभी उसने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें उसको सिस्ट आई है, ओवेरियन सिस्ट। हाँ अग्निमांद्य भी है उसको, उसको डिस्मेनोरिया भी था 1 साल पहले, और अत्यारतव की भी प्रॉब्लम थी उसको 1 साल पहले। फिर उसने कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट लिए, एलोवेरा वगैरह, उससे प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, बट उसके ओवेरियन सिस्ट का जो साइज है इस टाइम, वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 5.5 सेंटीमीटर। जी अभी सर मैं, मतलब मुझे, मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी कि इतना ज्यादा बड़ा, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ने तो उनको जो है सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया है। सर्जरी से काम नहीं होता है, वो पंक्चर करते हैं बस, ओके पंक्चर सर, करते हैं, फिर उनका दोष दोष से मूर्छना होती रहती है, जो छोटा अभी दिख रहा है उससे डबल फिर से आ जाएगा, फिर पंक्चर जी करेंगे फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर पंक्चर में फिर और बड़ा हो जाएगा। ये कोई ट्रीटमेंट है क्या? फिर वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते रहेंगे बस, उसके हाँ जी अलावा सर, वही उसने ली थी वैसे पिछले लास्ट में 2-3 मंथ से, वो वही ले रही थी। एंड में उनको यही बोल दिया डॉक्टर्स ने, उनके एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, कि इनकी आप सर्जरी करवा लो। वो एक्चुअली अनमेरिड है लड़की, तो उसके पेरेंट्स उसकी सर्जरी नहीं करवाना चाहते। करना चाहती हैं आप बताइए, आपने क्या दवाई दिया? सर मैं तो सर अभी तो मैंने दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी और हिंगवष्टक चूर्ण दिया है। एक सर एक्चुअली उसका मैंने सी मैंने नहीं पहले उसने करवाया हुआ CA-125 टेस्ट करवाया था उसने 1 साल पहले, तब उसकी वैल्यू 40 आई थी, 35, शायद लेस देन 35 नॉर्मल होता है ना, तो उसकी 40 आई थी। तो उसलिए मैं थोड़ी, मतलब, कंफ्यूज थी कि अभी अभी, वैसे मैंने रिसेंटली दोबारा करवाने को बोला उनको। वैसे अदरवाइज अगर वो ठीक आ जाता तो फिर मैं वही दीपन पाचन विरेचन करवा के उसका मांस पाचक, मेदो पाचक, रौद्र रस वगैरह, वरुणा कुबेर, दी कुशाई। हाँ हाँ जी कुबेर, सर, कुबेराक्ष वटी। मीन्स हाँ मैं इस चीज के लिए कंफ्यूज हूँ, एक तो साइज के लिए क्या मैं ये लूँ ये वाला पेशेंट, एंड दूसरा आपको मालूम है, CA-125। मेरे पास एक पेशेंट आई थी तो ये 2008 की बात है, उनको पहले ये ऐसे हुआ, वो मुंबई से आई थी, तो उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल में ऐसे पंक्चर कराया, तो पहले उनका एकदम मटर जैसा था, मतलब मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मटर के जी साइज सर, का था, उन्होंने पंक्चर कराया तो वो टेनिस बॉल की तरह हो गया, फिर उसके बाद में फिर पंक्चर कराया तो फुटबॉल की तरह हो गया, इतने बड़े बड़े सिस्टम। तो डॉक्टर्स ऐसे ही कर रहे थे, इतने साल से प्रेगनेंसी रह नहीं रही थी, मैंने उनको सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती दिया और मैंने यही सब दवाई दिया, कुबेराक्ष वटी, पुष्प धन्वारस, कांचना गुगुल, आरोग्य वर्धनी, चंद्रप्रभा, ऐसे बस थोड़े से दवाई दिए और सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती दिया, उसके बाद में उनका सिस्ट पूरा डिजोल्व हो गया और फिर वो कंसीव भी हो गई, उनका बेटा भी इतना बड़ा। ओके सर। और सर वो जो उसका CA-125 टेस्ट का मैं थोड़ा व्यू, अंजना मैम भी इसके बारे में हाँ बताएं। अंजना मैम आप बताइए, अंजना मैम मैम हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को, जी मेरा नाम, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, एक बार साइज जरा फिर से बता पाएंगे क्या, कितना मैम साइज था इसका? हाँ जी मैम, एक साइड का 8.5 सेंटीमीटर और एक साइड है 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी हाइट और वेट कितना है बच्ची का? मैम हाइट होगी उसकी 5'6", 5'5" और 5'6" के, वो मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं, ठीक है, उसका बिल्ड ठीक है, अभी मैंने वेट तो नहीं किया बट नॉर्मल है। हाँ मैम, तो पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है क्या पेशेंट को? मैम उसको पहले थी पीरियड्स की प्रॉब्लम, उसको डिस्मेनोरिया भी था और अत्यारतव भी रहा 1 साल पहले उसको, जैसे पूरा, मतलब पूरा पूरा मंथ उसको ब्लीडिंग रहती थी उस टाइम।
बट उसने कुछ ट्रीटमेंट करवाया और कुछ फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट, एलोवेरा के कुछ प्रोडक्ट्स लिए, उससे वो प्रॉब्लम तो उसकी ठीक हो गई, बट उसका जो ओवेरियन सिस्ट का साइज बढ़ गया। HbA1c का कुछ पता है, अगर शुगर, ब्लड शुगर लेवल का कुछ आइडिया है आपको? नहीं मैम, वो मैंने तो नहीं करवाया, वैसे ऐसा कुछ था तो नहीं। अगर मैं नहीं, उसको कराना पड़ेगा मैम, एक बार उसको करा लीजिए, CA125 को रिपीट करा लीजिए, ठीक है मैम? हाँ जी और मैम, उसमें ऐसा, हाँ उसमें दो तरह का होता है मैम, एक क्या होता है कि जो सिस्ट बनता है ना वो हाँ उसमें जी क्या होता है सेपरेशंस होते हैं, और एक में होता है नॉन सेपरेशंस होते हैं। तो जो उसका सिस्ट का जो अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट होते हैं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हुए, वो उसको डिमार्केशन देते हैं कि ये किस तरह का सिस्ट है। अगर जैसे वो डिमार्केशन नहीं है, मतलब सेपरेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा इजीली ट्रीट हो जाता है, लेकिन सेपरेशन वाला भी हम लोग ट्रीट करते हैं। तो नहीं है अभी मैम, सेप्टेशन नहीं है उसमें ना। नहीं है, तो हाँ जी जो ये इंक्रीजिंग है, इससे पहले की अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट आपने देखी है, इंक्रीजिंग हाँ जी हाँ जी है। मैम, इंक्रीज हुआ है, पहले से 1 साल में 2-3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है उसका। अच्छा, और इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई तब से बीच में, मॉडर्न भी खाई मैम होगी? नहीं, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली, बस जैसे थोड़ा हमारा एरिया भी थोड़ा सा बैकवर्ड है, ऐसे ही किसी से मतलब प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। अच्छा, 1 साल पहले उसका CA125 40 आया था, उसकी रेंज जो 40 आई थी, बट अभी मैंने उनको रिसेंटली बोला है कि दोबारा करवाओ आप ये। और भी सारे सपोर्टिव जो हिस्ट्री होती है ना, सपोर्टिव फीचर्स होते हैं, जैसे उसका वेट इंक्रीज कर रहा है, भूख कैसी नहीं लग मैम, रही, भूख उसको अब कम लग रही है, वेट उसका नॉर्मल है, वेट नहीं उसका डिक्रीज ठीक है नहीं वो। किया है ना, डिक्रीज नहीं किया है नहीं ना, मतलब ऐसा तो नहीं नहीं लग नहीं रहा है जैसे धातु शोष होता है जैसे हम लोग कहते हैं, उस तरह का नहीं फीलिंग हुई ना आपको? नहीं मैम, ये तो मुझे लग रहा था क्योंकि वो अनिमिक भी हो गई है, अब अनिमिक भी थी, अच्छा, धातु और क्षय उसके की कक्षा तो उसे देख कर लग रही थी अपान मुझे, वायु कैसे, मोशन वगैरह क्या बता रही है? वो नॉर्मल थे मैम। उसको लाइए एक बार यहाँ पे तो मजा आएगा, हम लोग ट्रिक करेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं हाँ जनरली जी ऐसे केसेस में जो है जो ट्रीटमेंट करना चाहूंगी, या जैसे मेरे सामने वो पेशेंट आएगी, तो मैं सबसे पहले उसमें जैसे दीपन पाचन की बात हमेशा ही चलती है, तो दीपन पाचन से ही स्टार्ट ही करना चाहिए हमको। जी तो मैम, जनरली, हाँ जनरली ऐसे केसेस में आपको दाढ़ी मष्टक ले लीजिए, या फिर आप पंचकोल अगर पेशेंट ले पाए, तो पेशेंट का अग्नि देखना पड़ेगा, थोड़ा उसका डाइट हैबिट देखना पड़ेगा, तो यहाँ पंचकोल भी अच्छा काम करेगा स्टार्टिंग में। चाहे उसकी मात्रा कम रख लीजिए, दाढ़ी मष्टक के साथ 1 ग्राम दाढ़ी मष्टक, 1 ग्राम पंचकोल मिला लीजिए, और पंचतीर्थ घृत के साथ मिला लीजिए। और ओके इसको ना थोड़ा सा जैसे वो जो आता है ना पटोल कटु रोहिणी क्वाथ आता है, हाँ जी मैम, हाँ उसके साथ थोड़ा स्टार्ट करिए। यहाँ पे थोड़ा भेदन द्रव्य हमें चाहिए, तो हम डायरेक्ट बच्ची है तो नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा हमें इस तरह का, अगर हम भूनिमवादी क्वाथ है या फिर जैसे कुटकी क्वाथ है, इस तरह के क्वाथ अगर हम देंगे अनुपान के रूप में, तो हमें जी थोड़ा मैम, सा फायदा मिलेगा यहाँ पर, है ना? और थोड़ा अग्निदीपन भी करेगा, लीवर को भी स्टिमुलेट करेगा, और हमारे धातु अग्नि लेवल पे वो अच्छे से काम करता है। देन ठीक इसके है। बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि सिस्ट है और कलेक्शन है, तो जैसे सर बताते भी हैं, तो यहाँ हल्का सा पहले आप, क्योंकि उसकी एज ऐसी है, थोड़ा सुशेखल स्टार्ट कर सकते हैं खाने से पहले, है ना, 125 mg वाला। और जी मैम, उसके बाद हमें थोड़ा सा गृहिणी कला पे हमें काम करना ही करना है, तो सुशेखल के साथ साथ उसके बाद हम जो पुड़िया बनाएंगे खाने के बाद जी वाली, जो पुड़िया देते हैं नृपति वल्लभ ले लीजिएगा, यहाँ पे जी मैम, थोड़ा सा चीला सिंदूर ले लीजिएगा, काशीश भस्म ले लीजिएगा, थोड़ा सा ताम्र भस्म ले लीजिएगा, थोड़ा जी गिलोय मैम, सत्व ले लीजिए, थोड़ा यवछार ले लीजिए अकॉर्डिंगली, है ना? मतलब जी उसमें मैम, कुछ मेडिसिन आप अपने अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर सकते हैं। थोड़ा विडंग काम करेगा, वाय विडंग यहाँ पे कुछ काम करेगा, और थोड़ा ठीक सा मैम, जो है संजीवनी काम करेगा, ठीक है? ठीक है और मैम, इसका अनुपान भी जैसे मैंने बताया, ऊपर वाले अनुपान से चाहे तो कटरोहिणी क्वाथ या फिर कालमेघ, है ना, ठीक है भुनिमबाजी मैम, क्वाथ इसके साथ आप करिए। और उसके बाद थोड़ा सा काचनार ले सकती हैं, या फिर गंडारी कैप्सूल आते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी होता है कैप्सूल वगैरह लेना, तो गंडारी का कैप्सूल भी आता है, वृद्धिवाजी का बट्टी भी आती है, इस तरह से जी लेकर मैम, थोड़ा सा एरंड तेल का लेप लगाइए अधोदर पे, और एरंड तेल का जो है नाभि पूरण भी कर सकते हैं, ठीक जी है? मैम, और एक हफ्ते के बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा जो है उसको हम वो करने के बाद पुनर्नवा, या फिर पुनर्नवा गुगुल, या फिर थोड़ा गोक्षुरादि गुगुल भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि स्टार्टिंग में आप मतलब 21 डेज के लिए इस वाले को फॉर्मूले को दीजिए उसको, और फिर 21 डेज के बाद ओके उसको फिर से बुलाइए।
लेकिन सारे रिपोर्ट्स करवा लीजिए जो जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? हाँ जी मैम, जो आपने अरंड तेल का जो लेप बताया वो बता रही थी, उसको लोअर अपडोमन में पेन रहती है, वो मैं डेली हाँ करवाऊँ उसको या फिर? नहीं उसको कराइए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा शुंठी मिला सकती हैं आप अरंड तेल में, ठीक और है, उसका रात को लेप जैसे लेप करवा दूँ? करवाने, हाँ लेप करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा के देखिए आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। बल्कि अगर पॉसिबल हो तो हल्का सा उसको कहते हैं ना जैसे कि स्वेदन भी करवा सकती हैं, जैसे गर्म कपड़ा तवे पे रख के उससे सिकाई करवा सकती हैं। ठीक है मैम। और मैम हम CA 125 की कितनी रेंज तक को मतलब हम नॉर्मल ले सकते हैं, जैसे उसका 40 था? हाँ एक्चुअली मैम देखिए CA 125 जो है ना वो आपके जैसे मांट्रूक्स का कोई मतलब बहुत नहीं रह गया है इस समय, ऐसे ही ओके CA 125 भी कोई बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे पास मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, बस केवल वो रिएक्टिव दिखाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है उसी तरह से ये CA 125 होता है। अगर हमें जी थोड़ा सा भी डाउट लगेगा तो फिर हमें यहाँ पे CT कराना पड़ेगा, लिम्फेटिक ग्लैंड की क्या स्थिति है ना, लिम्फ जी ग्लैंड मैम, के बारे में अगर हमें देखना होगा तो लिम्फेटिक ग्लैंड की ग्लैंड अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है या उसको उसका वेट कम होता है या कुछ उस तरह के चांसेस लगते हैं क्योंकि लड़की है, तो या तो जी फिर मैम, अल्ट्रासोनो अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग FNSC करा सकते हैं या सेकेंड हम CT करा रहे हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है मैम। अभी फिर मैं देखती हूँ, अभी उसका CA 125 आज मैंने बोला है रिपीटेड, फिर सरने का है ना, उसको। बस्ती बहुत काम करेगी, बस्ती हाँ जी एकदम मैम, ठीक आम जैसे रामबाण है जी सर, बस्ती सर ठीक है ने मैम। बहुत अच्छे से बताया है, बस्ती एकदम नंबर वन पे रखिएगा आप, ठीक है? वैसे तो इसलिए मैम मैंने ये, हाँ हाँ जी मैम, मेरा यही प्रोटोकॉल होता है जो सर ने बताया, बस बस थोड़ा हाँ सा इसीलिए मैं कंफ्यूज थी कि इसका CA 125 और साइज के लिए थोड़ा कंफ्यूज थी नहीं बस मैम। मैम वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे मांट्रूक्स पहले कितना होता था कि एक बार पॉजिटिव आ गया तो वो ट्यूबरक्लोसिस की दवा शुरू कर देते थे, लेकिन ठीक है अब ठीक ये ना सैन्यूरो बहुत चेंज हुआ है, ये इतना बताता है कि हाँ ये रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो मैलिग्नेंट है ये कंफर्म नहीं कर सकता ये, ठीक है? और इतना ठीक तो है मैम, ये रिएक्टिव ही होता है, जैसे 37 तो आप बता ही रहे हो, 35 होना चाहिए, 47 है, 40 है, तो ये जी रिएक्टिव भी मैम, होता है, मे भी अब कुछ कम भी हो सकता है ना, जैसा भी होगा बताइएगा शेयर करिएगा। जी मैम, जी थैंक यू मैम, थैंक यू सर। डॉक्टर पूजा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? पूजा जी भावसार सर मैम, नमस्ते, जी सर नमस्ते सर। हाँ बताइए। हाँ सर मैं मुझे आपको दो केसेस का बताना था सर। हाँ एक्चुअली आपने कुछ लास्ट फ्यू में आपके लेक्चर में आपने एक फॉर्मूला बताया था मतलब वात व्याधि के लिए, जिसमें हाँ आपने वो एकांगवीर रस, वात भेजांकुश रस और महायोगराज गुरु का कॉम्बिनेशन बताया था। सो हाँ हाँ सर मुझे उसका ही आपको थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेरी ग्लैड मैंने वो यूज किया और उसका इतना मिरेकल रिजल्ट मिला है, या वही मुझे आज ये अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। एक आंटी आए थे मेरे पास, वो 66 ईयर्स के थे, तो उनको है ना जब मेरे पास आए थे तब थोड़ा पैरों में स्वेलिंग भी था और कमर में भी बहुत पेन था और दोनों बोथ लेग्स में भी उनको पेन था। ऑल्दो शी इज डूइंग योगा ऑन डेली बेसिस, सिर्फ उनका खान पान का ही थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ करके वो लोग मतलब सुबह 11 साढ़े 11 12 ऐसा खाना खाते थे, तो मैंने उनका लाइफस्टाइल का थोड़ा जो चेंजेस था वो सब कर दिया, दीपन पाचन में उनको आरोग्यवर्धिनी दिया क्योंकि अग्नि अच्छा था उनका, और ये अपना जो फॉर्मूला आपने जो दिया था ना वो उनको दिया मैंने, और उसके साथ उनको मैंने एक ऑइंटमेंट दिया था लोकल एप्लीकेशन के लिए। तो सर ये केस मैंने देखा था लास्ट मंथ 18th को, तो ये लोग बराबर 1 महीने के बाद आए, मैंने उनको 20 डेज के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया था। तो सर उनके बेटे ने बताया कि 15 अगस्त का जो लॉन्ग वीकेंड था वो यहाँ पे एक ट्रैकिंग पॉइंट है चिकमंगलूर करके नियर टू बैंगलोर, तो 200 किलोमीटर पे जाना पड़ता है वहाँ पे, तो आंटी ने संडे को 15 अगस्त का जो छुट्टी था 14 अगस्त को पूरा ट्रैकिंग किया सर उन्होंने 250 किलोमीटर। अच्छा हाँ तो इतना ओल्ड एज में, तीन ओल्ड एज सीनियर सिटीजन थे, तीन चार फैमिली मिलके गए थे वो लोग, तो उनके बेटे मैनेजर है, उन्होंने बताया कि वी ऑल इन सरप्राइज कि मम्मी को कुछ ऐसा मतलब सांस नहीं फूली, कुछ तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो पूरा ट्रैकिंग करके 2 दिन के बाद मुझे मिलने को आए थे सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपको कैसा लगा ऐसे मेडिसिन मुझे देके? बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन वो क्या हुआ वो मॉर्निंग ओपीडी था और वो मतलब उनको टाइम नहीं था, मैं उनका वीडियो ही निकाल के अपना इसमें डालने था मुझे अपने ग्रुप में, तो नेक्स्ट टाइम वो सर आएंगे पेशेंट ना का तो क्या प्रॉब्लम था? सर। नमस्ते सर, शी इज ओल्ड एज पेशेंट थी 66 इयर्स की, तो जी उनको है ना मेन उनका दो मुझे समझ में आया, एक थोड़ा मानसिक हेतु भी था
और मतलब थोड़ा स्ट्रेस लेते थे वो घर में, कुछ ऐसा उनका अनबन चलता था तो और उनको सर दोनों बोथ लेग में पेन था और कमर में बहुत दर्द था सर उनको, और थोड़ा हल्का बहुत स्वेलिंग आए थे, SLR पॉजिटिव नहीं थे लेकिन वो CRT का वो कुछ नहीं था उनको, और दोनों चलते वक्त भी तकलीफ था, बैठते वक्त भी तकलीफ था, मतलब शी इज कंप्लेनिंग अलॉट सर, जैसे 20 मिनट में उन्होंने वही कंप्लेन सुनाया था पूरा। तो मैंने उनको मानसिक के लिए सारस्वतारिष्ट का गोल्ड आता है नागार्जुना का ड्रॉप्स फॉर्म में वो दिया था सर, और उसके साथ अपने अरविंद सर का जो फॉर्मूला है ना, महायोगराज गुगुल वात गजांकुश रस और इसका एकांगवीर रस, इसका पूरा उनको बोल दिया 6 टैबलेट का पूरी बनाओ, मतलब पूरी बना के हनी के साथ चाटन करो, क्योंकि इतना टैबलेट इकट्ठा खाओ ऐसा बोलेंगे ना तो पेशेंट नहीं सुनता है सर, मतलब मैंने ये थोड़ा उसमें चेंजेस किया था वो बता रही थी सर। ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं वही चीज हाँ बताता हूँ जो दो दो गोली मुझे दिया था क्या मैम? हाँ, मैडम वो उनका अग्नि बहुत अच्छा था, नहीं नहीं तो हम एक एक भी दे सकते, लेकिन मैंने दो दो दिया था, अग्नि अच्छा था, उनका विल पावर भी बहुत बढ़िया है, और उनका खान पान का जो प्रॉब्लम था, जैसे वो मतलब शी इज वेरी धार्मिक, वहाँ अपने यूपी के ही है वो, मैथिली भाषा बात करते हैं, तो वो क्या सुबह बैठ के पूजा पाठ करते थे, 6 बजे उठ के दोपहर में 12 बजे 1 बजे खाना खाते थे, तो मैंने उनको काउंसलिंग करके सब समझा के बताया, तो उन्होंने फिर ब्रेकफास्ट लेना चालू किया और बाद में पूजा पाठ करने लगे, तो उनसे भी उससे भी उनको बहुत मतलब शी फील वेरी बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था उनको। और सारस्वत अरिष्ट का कैसा ड्रॉप कितना दिया? अडल्ट डोज तो है ना वो तो, 4 ड्रॉप्स मैम। हाँ वो एडल्ट ही है ना, और शी 66 ही है सर। तो ड्रॉप दिया क्या आपने? मैंने मैंने उनको ड्रॉप प्रेफर किया मैम, आशा वरिष्ठ नहीं लेना चाहती थी वो, तो अच्छा उनको मैंने 4 ड्रॉप्स इन 1 कप ऑफ वाटर रात को सोते समय सिर्फ उतना ही बोला था, और चैंटिंग बोला था मैम मैंने उनको। ओके ओके। हाँ वो भगवान का माला जपते हैं वो, तो उनको बोला वो कीजिए। थैंक ओके थैंक यू मैम, वेरी गुड पूजा मैम। यू सो मच मैम, ये सब सर का ही हमारा बदौलत है, और मेरे पास अभी टचवुड बहुत चैलेंजिंग केसेस आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे मैं वेट कर रही हूँ उनके फॉलोअप का, और आपने मैं कहा सर को दो मैसेज। केस, हाँ आपने एक ही केस सर, बताया। दूसरा दूसरा भी मैं बता रही हूँ सर, दूसरा केस मेरा एक स्किन का है सर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रभात पांडा सर ने देखो बीच में एक स्किन का डाला था जिसके ऊपर पूरा पेट पे रैश था, टिनिया कॉर्पिस कुछ, तो मेरा है ना सर ये पेशेंट है ना, इनको जेनाइटल एरिया में था सर, तो मैं उस कारणवश फोटो नहीं पोस्ट कर पाई अपने ग्रुप में, तो वो पेशेंट है सर, वो 66 ईयर्स ओल्ड के हैं, आर्मी ऑफिसर है वो, रिटायर्ड है, तो उनको सर लगभग 7-8 महीने से ये प्रॉब्लम है, एलोपैथिक में पूरा स्टेरॉइड्स खा के आए सब करके, लास्ट में मेरे पास आए थे, इचिंग बोथ थाइज में था जेनाइटल एरियाज में के नीचे पूरा, उनको रेडनेस और पूरा ब्लैकिश हो गया है, मेरे पास फोटोज है, अगर किसी को चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी, और उनका है किसी ना को चाहिए क्या? हम स्पेसिफिक, सबको चाहिए, आप हमें दिखाइए, नहीं सर आपको चलेगा तो मैं डालती हूँ ऐसा आप बोलिए। डालिए, हमको चलता है। ओके सर ओके, और रेड कलर है पूरा हो गया था, ईचिंग था उनका, और उनको नाइट में ही उनका बहुत प्रॉब्लम होता था, अल्कोहल का भी हिस्ट्री है उनको, बाकी मल मूत्र और अग्नि सही था उनका, क्योंकि आर्मी ऑफिसर है तो खान पान भी सही था, तो मैंने उनको सर महामंजिष्टादि काढ़ा दिया, पंचकोल चूर्ण और केशर गुगुर डाला था, और एक इसका कॉम्बिनेशन है सर गंधक रसायन आरोग्य वर्धिनी और वन मोर इज देयर, एक मैंने एक स्किन का एक कुछ डाला है सर, मैं वो भी मैं केस पेपर देख के फिर से डालती हूँ सर उसका, वो ये इतना तो मैंने डाला है उनको, और एक एंटी फंगल क्रीम डाला है सर, वो कुछ फार्मा है AF करके फार्मा, उसका दिया था सर, तो मैंने उनको फॉलोअप के लिए बुलाया था, उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि मेरा 80% अभी गया है, मैंने उनको बोला है कि आप मिलने को आइए, क्योंकि मुझे बिफोर और आफ्टर मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, मुझे फोटो चाहिए करके, तो वो बोले मैं आता हूँ। हेलो जी मैम, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल डालिए ये हिस्ट्री, ये केस मतलब आप स्टडी देखिए, करने मैं लायक है। पढ़ाई की बात, इंटेंशन अगर पढ़ाई का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अगर शरारत हाँ करता है तो हमें सब समझ आता है कि कौन शरारत कर रहा है। जो पहले डाला गया था वो शरारत के उद्देश्य से डाला था,
तो हाँ डालेंगे, हम समझ सकते हैं सबको, हम सबको समझ सकते। हाँ सर, फिर मेरे एक और लेडीज पेशेंट भी है, हाँ, तो मैं उसको आने दीजिए, मैं उसका बिफोर और आफ्टर का दोनों इकट्ठा ही डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो फोन करके बोल दिए कि मैं अच्छा हो गया ऐसा। उनका बाद में डालिए, अभी वाले पेशेंट का आप। हाँ मैं डाल देती हूँ, इमीडिएट डालती हूँ। उसके बाद में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया आपने वो डाल? हाँ हाँ सब पूरा पूरा डालूंगी सर। ये एक तरह से हमारा ये हो रहा है, मतलब केस स्टडी हो रहा है और सब लोग सीखेंगे उससे। हाँ सर, वो याद आया मुझे सर, गुड़ुची और मंजिष्ठा का कॉम्बिनेशन डाला था मैंने, गंधक रसायन आरोग्य वर्धिनी गुड़ुची और मंजिष्ठा का। हाँ। और त्रिफल अमृत भी दिया था, त्रिफल अमृत भी दिया। मेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। हाँ हाँ, और मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे वर्षा ऋतु चल रहा है, और अभी जो मतलब मैं फ्रेंकली बताती हूँ, वो जो अंडरगार्मेंट्स पहनते थे ना, दैट इज वेरी टाइट, और ऊपर से वो जीन्स टाइट और पैंट पूरा टाइट, और वो दिन भर घूमते थे, तो मैंने उनको वो भी उनका हेतु का भी बताया कि आप है ना वो बॉक्सर जैसा पहले के जमाने का वो डालिए, और घर में हो तो लुंगी डालिए, ये भी मैंने उनका लाइफस्टाइल भी चेंज किया सर, मतलब दवाई के साथ। ये सब देके उनको काउंसलिंग में ये सब भी बताया था सर, और हैबिट के लिए तो वो छोड़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप एटलीस्ट थोड़ा कम तो कीजिए, मतलब तो वो तो ठीक है बोले सर। वो डायबिटिक है क्या मैम? नहीं नहीं मैम, ही इज वेरी फिट, वो उनको सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम था, आर्मी ऑफिसर है रिटायर्ड, 68 इयर्स से। देखिए ना छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इतना बड़ा। हाँ, हाँ सर, और मैंने हाँ सिद्धार्थ वो भी दिया सर, सिद्धार्थ चूर्ण स्नाना चूर्ण आता है ना सिद्धार्थ। और दूसरा बात है कि उनको ये भी बताएगा अपने भाषा में कि हमारा जो शुक्र जो है वो सौम्य है, जब इतना टाइट बनेंगे तो शुक्र का क्षय नहीं होगा क्या, अगर आप इतना? हाँ सर, हाँ हाँ करेक्ट सर, बोलती हूँ सर, अभी आएंगे, मैं उनका ही फॉलोअप के लिए वेट कर रही थी। हाँ। और उनका एक लेडीज पेशेंट भी है, उनका भी अभी वो आएंगे, एक दो हफ्ते में आना चाहिए मेरे हिसाब से फॉलोअप के लिए। हाँ, जैसे ही आएंगे मैं बिफोर आफ्टर का उनका भी डालूंगी। जैसे ही आप लोग का सक्सेस स्टोरीज आता है वैसे ही आप पोस्ट कर दिया करिए ग्रुप में। ओके सर, ओके सर। सर मेरा मुझे सिर्फ एक छोटा सा हेल्प चाहिए, मैं थोड़ा पढ़ रही थी सर, मुझे ना वो सहस्र योगम जो आप बताते हो ना, वो दो लोगों का है सर, देर आर टू ऑथर्स और टू सहस्रोगम, तो आप कौन सा बताते हो सर, थोड़ा आप फोटो डाल दोगे तो अच्छा होगा सर ग्रुप में। ठीक है, ऑथर का नेम मेरे पास दोनों है। हाँ मेरे पास महादेवन सर का है, तो दूसरा मैं लेना चाहती हूँ, तो आपका हेल्प चाहिए। यहाँ पे मिलता है, हिंदी में मिलता है, मैं अभी जाने वाला हूँ मंडे को, यहाँ पे कुछ लोगों को चाहिए, मैं फिर बताऊंगा। मुझे सिर्फ फोटो चाहिए था सर, मतलब मुझे मिल तो जाएगा। हाँ हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो चाहिए। ठीक है सर। सर और एक मुझे बताना था, ये पंचनिंब चूर्ण करके आता है, पंचनिंब चूर्ण, आई थिंक ये आर्य वैद्य शाला का है। हाँ। उसका भी सर स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं सर। अच्छा। हाँ मतलब मैंने एक एक्ने के पेशेंट को वो इंटरनली दिया था, और एक्सटर्नली उसको ऐसा अपना लेपम दिया था, जैसे सारी मंगिष्ठा और रुद्र का, और एक दीपन पाचन दिया था, अच्छा रिजल्ट मिला सर। ठीक है, थैंक यू आपका। आप वो फोटो डालिए, हम देखेंगे। और हाँ, आप भी डाल दो। अंजना मैम, आपने जो फोटो डाला है उसका क्या मतलब है? जी सर, मैं बताना चाहती हूँ सर, अभी उसकी पूरी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगी। एक मेरे पास पेशेंट आई थी सर, अप्रैल में आई थी, नॉन पेशेंट थी। इसमें क्या था कि पेशेंट की जो हिस्ट्री थी वो उसने अपना ट्रीटमेंट करा रही थी एम्स दिल्ली में करा रही थी, तो वहाँ पे उसकी जो डायग्नोसिस बनी थी वो एशरमैन सिंड्रोम करके बनी थी। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस यूट्राइन कैविटी होती है, ये गर्भाशय होता है, वहाँ पर इतना ज्यादा एडहेजेंस हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो आपस में उसकी जो एंटीरियर पोस्टर बॉल्स होती है वो इतनी चिपक जाती है कि कैविटी में कोई स्पेस नहीं रहता। तो वहाँ उन्होंने वहाँ पे जो सर्जन लोग रहे होंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जन, तो उन्होंने इसको कहा कि यहाँ पे हमें लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, और लेप्रोस्कोपी करके हमें उसकी जो उसके एडहेजेंस है उसको ब्रेक करना होगा। तो उन्होंने वहाँ पे वो प्रोसीजर किया, वो मेरे पास इसके सारे रिकॉर्ड्स हैं, मैं बहुत जल्दी आप सबसे शेयर करूंगी। तो उन्होंने जब वहाँ पे स्टेरोस्कोपी शुरू की और उसके उसका जो उसको ब्रेक किया, तो उसी में उसको परफोरेशन हो गया, मतलब यूट्राइन में यूट्रस में इंजरी हो गई और यूट्रस परफोरेट कर गया। इसी तरह से उन्होंने उस परफोरेशन को वहां तुरंत हील किया, और फिर वो उसका उसको ब्रेक नहीं कर पाए, और तुरंत क्योंकि वो इमरजेंसी थी तो वहां पे हीलिंग तुरंत परफोरेशन को उन्होंने वहां पे स्टिच करके और वो बाहर आ।
फिर पेशेंट किसी तरह से मतलब वहां से जब हटके आई तो मेरे कुलीग है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ काम करती है, उनकी वो भाभी लगती है, मेरे पास आई। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट अभी अगस्त से शुरू किया, मेरे पास वो अगस्त में ही आई थी। एक बार वो पहले आई थी तो वो आगरा की रहने वाली है, तो मैंने मीना मैम के पास भी भेजा था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस रही कि वो मैडम से मिली जरूर थी लेकिन फिर वो वहाँ अपना कंटिन्यू नहीं करा पाई। फिर वो लौट के आई तो मेरे पास अगस्त से कंटिन्यू कराई पेशेंट। तो मैंने इसको क्या किया सर कि मुझे लगा कि पहले मुझे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी, क्योंकि बहुत ही ऐसे केसेस जो कि हम स्टार्टिंग में छोड़ दिया करते थे या हम लोग डरते थे, लेकिन आपके बाद, आपसे मिलने के बाद, आपसे पढ़ने के बाद, आप लोगों को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से विचार आते हैं और कुछ कर पाने का मन करता है। आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे HSG आप लोग को दिखाया है, तो जो पुरानी है अप्रैल की HSG आप देखिए, उसमें उसकी उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, यूट्राइन कैविटी उसकी एकदम धुंधली है और वहाँ इंट्रा यूट्राइन स्पेस एकदम नहीं है। लेकिन आपकी वजह मैंने उसकी HSG की आफ्टर ट्रीटमेंट अप्रैल, मैंने बहुत दिनों से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, मुझे लग रहा है 1 मंथ की नियर अबाउट मैंने इसका ट्रीटमेंट किया होगा, और वो जो यूट्राइन कैविटी है वो एकदम साफ हो गई है, खुल के सामने आ गई है। अब मुझे यूट्राइन ब्लॉक पर काम करना है, वो मैं कर ले जाऊंगी क्योंकि पहले से कंडीशन बहुत अच्छी आई है। आपने और आकाश महाभूत बना दिया आपने जी सर, मतलब सर आप देख सकते हैं कितना वो एम्स से जो है लौट के केस आई है, और उसको इतना विश्वास है कि वो कहती है कि नहीं मैडम आप बस, मैं आप जब तक कहेंगे मैं काम कराऊंगी। और इसमें उत्तरवस्थी मात्रावस्थी और जो मेडिकेशन मैंने किया है, मेरे पास पूरा का पूरा उसका एक PDF है, वो मेरे अभी स्टूडेंट्स बना रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बस, आपने कहा ना कि कुछ नया किया हो तो बताओ, तो मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। आप क्या एम्स के डॉक्टर से कम है क्या? हमारे लिए तो एम्स के डॉक्टर से ज्यादा आप है इंटेलिजेंट। बस सर मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही थी कि आपने जो जो हम लोगों को इतने अच्छे से क्लासेस ली है, आप इतनी मेहनत करते हैं, एक एक लेक्चर में आप इतना पॉइंट्स हम लोग को बताते हैं, ये आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं जनमानस के बहुत काम आ रहा है, और आपको सबकी दुआएं मिल रही है और आप बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और इसके साथ साथ नवीन सर भी प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो सारी दुआएं नवीन सर और अरविंद सर को मिल रही है, और हम सब आप लोग के बहुत आभारी हैं, बहुत अच्छा लगता है सर जी। किसी को मैम से कुछ पूछना है क्या ये केस से रिलेटेड? आप लोग भी करिए। मैम वस्ती के बारे में थोड़ा बताइएगा, इसमें क्या वस्ती दिया, बहुत अच्छा आपने बताया ये। एक्चुअली मैम इसमें क्या था ना, जैसे आप देख ही रहे हो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसलिए करनी थी क्योंकि यूट्राइन कैविटी एक बार इंजर्ड हो चुकी थी, तो हमें बहुत केयरफुली जाना था वहां पर, तो मैंने मात्रावस्थी से स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैंने दीपन पाटन दिया था। और दीपन मैम थोड़ा केस दोबारा ब्रीफ कर देंगी आप, किस क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। एक्चुअली सर केस ये है कि हाँ केस ये था कि ये इनफर्टिलिटी का केस था, ठीक है, इसको 7-8 साल मैरिज को हो चुका था, तो ये एम्स गए थे, एम्स में ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वहां पे जो डायग्नोसिस बनी थी वो एशरमैन सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनी थी। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो यूट्राइन कैविटी का जो स्पेस होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, मतलब जो एंटीरियर और पोस्टर वॉल होती है वो एडहेयर हो जाती है आपस में, और जो एक कैविटी होती है वो कैविटी एकदम नहीं रह पाती है, तो जब कैविटी नहीं रहेगी तो वहां पे फिर इम्प्लांटेशन के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे हिस्टेरोस्कोपी हुई, लेप्रोस्कोपिक हुआ, फिस्टिडोस्कोपी हुई, और वहां से उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसके सारे जितने भी एडजेंस हैं इसको ब्रेक करना होगा और कैविटी में स्पेस बनाना होगा। तो वो ये कार्य कर ही रहे थे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिस्टिडोस्कोपी इंजर्ड हो गई यूट्राइन कैविटी की वॉल, और यूट्राइन कैविटी की वॉल जब इंजर्ड हो गई तो वहां पे परफोरेशन हो गया। अब उनको पहले परफोरेशन को उन्होंने मतलब सील करना शुरू किया, वहां स्टिच वगैरह लगाई, और उसके बाद वो लोग साफ बाहर निकल आए, उन्होंने कहा कि अभी अभी इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक बार जब इंजरी हो सकती है तो दोबारा इंजरी होने के चांस रहते हैं। ये इनका जो था रिपोर्ट्स है मेरे पास, सब इनके प्रूफ है, तो फिर ये फिर हमारे पास आई हैं, हमारे पास ये आ गई थी शायद एक बार अप्रैल या मई में आई थी मेरे पास ये रिपोर्ट्स वगैरह लेके। तो ये आगरा की रहने वाली है, मेरे कुलीग है, मेरे साथ है कॉलेज में, उनकी ये भाभी लगती है, तो वो मेरे पास लेके आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर क्योंकि आप जैसे होता है कि उधर मीनल मैम थी, तो मैंने कहा कि मैम से मैं बोल दूंगी, मैम आपकी मात्रावस्थी और उत्तरवस्थी कर देती है, मैम का पंचकम सेंटर बहुत अच्छा चलता भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनकी ऐसी रही कि वो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई, फिर वो लौट के बनारस ही आ गई।
तो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा है ही, आप जानते हैं पेशेंट हमारे पास काफी फ्लो अच्छा रहता है पेशेंट को, और बहुत मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आती, मनी प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं आती, तो वो लगातार मेरे पास आई रही। तो मैंने जो मेडिसिन बना मतलब मैंने जो उनका प्रोटोकॉल बनाया कि क्या क्या दवा देना है, तो बहुत क्योंकि हमें बहुत इजी वे में नहीं जाना था, पेशेंट हमारा बहुत ही इंजर्ड यूट्राइन कैविटी का पेशेंट था, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहने का मन किया कि आप सभी लोग का इसमें अंशदान है, योगदान है, और आप सभी लोग की नॉलेज को मैंने उसको युक्तिपूर्वक से हिस्सा की। मैंने वही जैसे मैं बताती हूँ पंचतीर्थ व्रत दिया, उसके साथ मैंने थोड़ा पंचकोल चूर स्टार्ट किया, दाढ़ी मास्टक स्टार्ट किया, क्योंकि दवा काफी ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो बीच बीच में मैंने चेंज किया। मैंने पहले स्नेहन ही किया, दीपन पाचन उसको किया, स्नेहन किया, उसके बाद मात्रा बस्ती पे रखा मैंने, और मात्रा बस्ती जब उसको लगा कि अब अच्छे से स्नेहन हो रहा है, फिर मैंने धीरे से उत्तर बस्ती दिया। उत्तर बस्ती देते उसको मतलब मैंने 2 times अभी उसको उत्तर बस्ती दिया है, 1 month में 2 बार और फिर इस वाले मंथ में 2 बार, और मात्रा बस्ती मैंने उसको लगभग जो है दे चुकी होंगी 40 या 45 बार। और पेशेंट को सबसे अच्छी जो हिस्ट्री आई वो उसको पीरियड्स नहीं आते थे, मतलब उसको कभी स्पॉटिंग हो जाती थी, कभी कभी एक बार हल्का सा स्पॉट होके खत्म हुई, लेकिन जब से मेडिसिन हुई उसकी बहुत अच्छी ब्लीडिंग शुरू हुई। इस बार पीरियड उसको बताई उसने कि मैडम ऐसे पीरियड तो मुझे आज तक कभी नहीं आए। फिर मैंने कहा अच्छा पीरियड आ गया तो सर एक HSG भी करा लो, HSG आपकी बहुत जरूरी है, हमें पता चलना चाहिए यूट्राइन कैविटी आपकी कैसी है। तो इतनी अच्छी रिपोर्ट यूट्राइन कैविटी का है कि वो जो स्पेस जहाँ एकदम नजर नहीं आ रहा है, आप पुराने रिपोर्ट देखिए और इस बार की HSG की रिपोर्ट अगस्त की देखिए, आपको एकदम क्लियर स्पेस मिल रहा है कि यूट्राइन कैविटी हमने काफी कुछ तैयार कर दी है। और अब हम ट्यूबल पे काम करेंगे, ट्यूबल ब्लॉक है हम मानते हैं, लेकिन जिस केस में आप मतलब हिस्टेरोस्कोपी भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी वहां बस्ती ने चमत्कार कर दिया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। मैम को मात्रा उससे किससे दी थी? एक्चुअली मैम इसमें कई चीजें हमने यूज की है, मैंने यहाँ पंचतीर्थ व्रत से भी मात्रा बस्ती दी है, शिग्रू तेल से भी मात्रा बस्ती दी है, थोड़ा सा गौमूत्र अर्क भी मिलाया है उसमें हल्का सा, जैसे मैंने बिल्कुल 0.25 ही मिलाया है लेकिन मैंने मिलाया शिग्रू तेल के साथ में, और मैंने जो है एक बार मैंने इसमें शतपुष्प तेल की भी की है, 3-4 बार की है, तो मैं युक्ति पूर्वक थोड़ा थोड़ा चेंज करती हूँ। अभी ये लंबा प्रोसीजर चलेगा, लेकिन आप ही लोग ये देख रहे हैं कि कैविटी अगर हमने प्रिपेयर कर दी है तो अगर पेशेंट चाहती है तो वो IVF के लिए भी प्रिपेयर हो सकती है, लेकिन मैं वो कहती है कि नहीं मैडम मुझे पूरा विश्वास है मेरे को नॉर्मल प्रेगनेंसी आएगी अगर मैं आपके साथ लगी 6 महीने ट्रीटमेंट ले लूंगी। और मैं भी एज कितना है पेशेंट का? पेशेंट की एज अभी ठीक है, पेशेंट की एज 30 के आसपास है, 30 के आसपास। ओके ओके, तो उसका उसके साथ में बाकी के हार्मोन्स कराए मैम? बिकॉज़ इट इज इनक्रेडिबल, अशरमैंस केस जो है एलोपैथ में तो इसको रिजल्ट ही नहीं, मैम सिंड्रोम को लेते ही नहीं है, यही इसीलिए मैंने शेयर किया मैम, और इसके डॉक्यूमेंट में अभी आपको शेयर करूंगी जल्दी करूंगी। नहीं नहीं बहुत ग्रेट है मैम, आप एकदम बहुत इनक्रेडिबल रिजल्ट, कांग्रेचुलेशंस मैम। मीनल मैम आपने देखा था एक केस? हाँ हाँ बिल्कुल याद आ गया सर मुझे, वो पेशेंट मेरे पास सिर्फ एक बार आया था और मैम का पर्चा लेकर आया था मेरे पास, और बेसिकली उनका वही प्रॉब्लम था कि वो गवर्नमेंट में ही कराने के लिए इच्छुक थे, तो कि उनको मनी प्रॉब्लम बहुत था, वो एक सिटिंग के लिए मतलब मैम वहाँ 80 रुपए में हो जाता है काम। मैंने कहा सर यहाँ 80 रुपए में तो नहीं हो सकती मात्रा बस्ती, जो भी कुछ पर्चे की बस उसी में वहाँ मात्रा बस्तियाँ हो जाती हैं, तो मैंने कहा सर वो चीज पॉसिबल नहीं है, और आपका लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, उनको सिकंदरा यहाँ से करीब अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर दूर है उनका जो रेजिडेंस था, तो वहां से उनको डेली आना था मात्रा बस्ती लेने के लिए या फिर उत्तर बस्ती करवाने के लिए, तो वो उनको प्रॉब्लम कर रहा था कि मैम हमें कन्वेंस का भी लगेगा, फिर थेरेपी का भी चार्जेस होगा, और हमें मैंने कहा ये एक आध दिन का काम तो है नहीं, कम से कम 1 month आपको लग के आना पड़ेगा मुझे मेरे पास बस्तियां लेने के लिए, उसके बाद फिर उत्तर बस्ती वगैरह लेने के लिए। तो फिर वो वहां पर फिर उन्होंने हेजिटेट किया कि वो सिर्फ एक ही बार आया मैम मेरे पास, उसके बाद सेकंड तो आया ही नहीं वो, कि उसने और मैंने कहा कि अगर आप मैम क्या वहां पर वो मेडिसिन का पर्चा आपका लेकर आया था कि मेडिसिन हमारी मैम के यहाँ से चल रही हैं और हमें बस्तियां लेनी है, तो बस्तियां लेने के लिए, तो फिर उसके बाद वो दोबारा रिपीट नहीं आया क्योंकि मैम वहां से वापस आना उसका जो उतना डिस्टेंस था, और उसके अलावा फिर उसको मनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, वो रहा कि मैम मैं इतना मतलब कि आके सिटिंग्स पूरा 1 month नहीं ले पाऊंगा, तो फिर इसीलिए वो गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट हुआ कि उसको वहां पर मनी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। हाँ मैम एकदम आप सही कह रहे हो, उसके साथ थोड़ा सा होता भी है, कुछ सोच भी होती है, कुछ पेशेंट नहीं हाँ, पे कर पाते हैं बेसिकली। हाँ वही कि मैंने कहा कि आप इतना बहुत मैम बहुत पेशेंट फीमेल थी कि मेल था? फीमेल हस्बैंड नहीं पेशेंट तो फीमेल है ना। हाँ हस्बैंड आया था सर मेरे पास,
हस्बैंड साथ में था, तो वो मेल जो था वो उसने यही कहा कि सर मैम तो बहुत दूर से आना है, डिस्टेंस से हमें रोजाना आना प्रॉब्लम होगा, और उसके बाद फिर एक महीने लगातार मेरा आना, उतना उसको पे नहीं करना था, तो फिर उसने कहा गवर्नमेंट सेक्टर मेरे लिए बेटर रहेगा, तो फिर वो बनारस वापस गया क्योंकि वहां पर उनके रिलेटिव्स रहते हैं कोई, उनके यहाँ वो रहता है और वहीं से फिर उसकी भाभी लगती थी जिसके यहाँ पर वाइफ, हाँ वाइफ यहीं रुक जाती है, हस्बैंड वही आगरा में अपने कार्य करता है, सर्विस करता है, बीच बीच में आता है। बिल्कुल मैम याद है लेकिन मुझे अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा हाँ, ना मैम इतना अच्छा अचीवमेंट डेफिनेटली, मतलब जो केसेस बिल्कुल अंजन मैम आपके पास में ये सच में बेनिफिट है कि आप अगर 40 मात्रा बस्ती हो आपके पास में रहती, यू कैन मेक मिरेकल्स मैम। मेरे यहाँ पे तो इतना बताने के बावजूद भी 7-8 बोले तो अभी वो जो केस मैंने बताई थी नहीं रेडी होते, बस्ती नहीं करना है बहुत एक्चुअली मैम ना, हमने अपने जो कॉलेज है, हमारा कॉलेज ही एकदम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना, फिर पीजी पीजी हमारे पास हैंड्स हैं, फिर हमने अपने डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश इस तरह से किया है कि हमें केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करना है। मैम मैम आप ग्रेट है, सीखने के लिए आना चाहिए। मैम मेरी वो पेशेंट है ना उस, इसको भी टॉर्चर बोलती है जो अदरक सोरस नस्य लेना है ना, उसका 3 महीने हो गया मेंसेस नहीं आ रहा है, तो बोलती मैं 7-8 नस्य भी नहीं लूंगी, बस्ती भी नहीं लूंगी, मुझे बहुत टॉर्चर हो रहा है, आप रेडीमेड बेबी दे दीजिए नहीं तो आईवीएफ करा। और आईवीएफ के लिए भी वो उसका एएमएच भी मैडम -55 से 0.07 की है, लेकिन सिर्फ उसका जो जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई थी 12 दिन की, उसके बाद में उसका अभी तक मेंसेस नहीं आया, तब ये 3rd मंथ है तो ये बार में आना चाहिए क्योंकि ईटी भी उसकी 9 आ गई है, तो वो किसी भी हालत में, मैं 2 महीना हो गया उसको बता रही हूँ कि आप बस्ती और नस्य ले लीजिए, तो यहाँ पे 7 बस्ती के लिए और नस्य के लिए रेडी नहीं होते, और अगर 40 मात्रा बस्ती थे आई नो यू कैन गेट सक्सेसफुल विदाउट आईवीआई आईवीएफ मैम, अगर पेशेंट आप कर रहे हो तो जरूर शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। यस मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में हम वाकई फ्री हैंड के संग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एड भी है, और फिर हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका काफी हमें हेल्प मिलता है, वो बच्चे जो है वो जी मैम एक्चुअली हमें तो गाइड करना रहता है, काम तो उन्हीं लोगों से हम लोग लेते हैं, ये आप कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हम भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़े हैं, बस कहना नहीं चाहिए बट ऐसी हाल है। हाँ तो करने वाला होना चाहिए ना आरती मैम, ये वाली बात भी तो है, इतना इंस्पिरेशन के संग इतना उससे करने वाला भी चाहिए ना, इतना इंटेंशन के साथ। बहुत अच्छा मैम आप करा रहे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लकी हैं, उनको लाइफ में भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोशिश करते हैं आप सब, आप लोग जी मैम इनक्रेडिबल केस अगर आप कर पाई है तो रियली आपको ये प्रेजेंट करना चाहिए। मैं करूंगी मैम करूंगी, अभी हमारे पास बीएचयू में हो रहा है प्रसूति कॉनी हो रहा है, उसमें भी करूंगी और मैं इसको आगे भी लेके जाऊंगी, इसको मैं इंटरनेशनल जर्नल पे डालूंगी क्योंकि मैम आती ना कविता मैम, वो जो हमारे सीसीआरएस की मैम है, मिल के आप एक प्रेजेंट पब्लिश करिए इसको। थैंक यू सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा, मतलब कांग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू मैम, आप ही लोग हैं सब मेरा इंस्पायर भी होती हूँ आप लोगों से, आप ही लोगों से बल भी लेती हूँ, और आप लोग इतना सब बताते हो ना उनसे मेरी युक्ति भी बनती है, क्योंकि आप देखते होंगे मैं कभी कभी नहीं बोल पाती हूँ लेकिन मैं आप लोग को लगातार सुनती रहती हूँ, चाहे मैं किसी बिजी हूँ लेकिन मेरे आप कार आप ही लोग के साथ और मन आप ही लोगों से जुड़ा रहता है, आप लोग बहुत अच्छे हो, घमंड नहीं है, आप इतना पीएचडी की हुई है, इतने सीनियर है तब भी आपको थोड़ा भी घमंड नहीं है, मतलब आप सीखे ये बहुत गुड क्वालिटी आपकी, कांग्रेचुलेशन मैम, बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हार्टली कांग्रेचुलेशंस मैम, प्लीज हमारे आयुष दर्पण के जितने भी लेडीज डॉक्टर है हमारे लिए एक फिजिकल कैंप रखे मैम, हम लोग आते हैं आपके पास, आइए आप लोग ऐसे भी आ सकते हो, आइए मेरे मुंह की बात छेड़ ली पूजा मैम आपने, हाँ एक 5 डेज भी चलेगा मैम, ओनली 5 डेज। मुझे एक ना डॉक्टर रेखा वर्मा मैम है जो नवीन सर की क्लासमेट है, उनका फोन है, वो बोले कि मैं मिलने गई थी मैम के पास, अंजना मैम के पास, अंजना मैम ने सुबह से शाम बिठाया और केवल समोसा और ये खिलाती रही, जाने ही नहीं दे रही थी, इतना प्यार से बात करती रही, इतना सीखने को भी मिला मैम के सानिध्य में। हाँ सर बहुत दूर से आई थी वो, आप पुणे से आई थी तो मैंने कहा आज आए हो तो थोड़ा बैठे रहो क्योंकि पेशेंट भी देखते रहते हैं, उसी में हमने कहा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत तारीफ करी थी, थैंक यू मैम, भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक
रियली आज के जमाने में इतना मतलब आपका एजुकेशन भी है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में इतना एस्टैब्लिश प्रैक्टिस करते हो, बट यू आर ग्राउंड टू अर्थ. कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि आप हम इतनी बड़ी मैम से बात कर रहे हैं. अरे हम बड़े नहीं है, डिपार्टमेंट में देखिए कौन ऐसा करता है, कौन ऐसे रिजल्ट दिखाता है टीचर होके, कौन दिखाता है सर? अच्छा लगता है, किसी को टाइम आना चाहिए. आकांक्षा मैम आपको, आप तो लकी हैं, आप तो मैम से कभी भी जाके सीख सकती हैं. बिल्कुल सर, मैं तो मैम से मिली हूँ, लेकिन अभी मैं सब लोग मैम को बधाई दे रही हूँ, लेकिन मैंने केस नहीं सुना क्योंकि बहुत लेट ज्वाइन किया. मैं फिर से सुन लूंगी मैम, फिर मैं समझती हूँ क्या केस था. मैनी कांग्रेचुलेशन मैम. ये महीना मैम तक मैम के डिपार्टमेंट में जाके सीख ही लीजिए आप लोग सब चीज. बिल्कुल बिल्कुल, आइए एमडी करने आइए मेरे पास. मैम जब मैं बनारस आऊंगी तो पक्का आपके पास में आने वाली हूँ. आइए बनारस, बनारस ही में आपकी वजह से आने वाली. आइए मैम, आइए, अच्छा लगेगा. आइए, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन. तो आज ही अपने हस्बैंड से बात की, वो बोल रहे थे कि मेरे कुछ सप्लायर हैं वहां पे बुला रहे हैं. मैं बोला विजिट फिक्स करो, मुझे तो मैम से मिलने जाना है. आज ही जस्ट बात हुई है मैम. आई आई बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा. काशी वैसे भी बहुत अच्छी मैम है ना. सोनी मैम तो बोलते हैं कि अंजना मैम के पास तो टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी है. सुबह से शाम तक केवल 5 घंटे सोती है, बस इतना बिजी है. हाँ सर, लेकिन अच्छा लगता है. वो अभी किसी के काम आते रहे, कार्य करते रहे, तो बहुत अच्छा लगता है. बिजी रहना चाहिए. जी सर, आपका. शशि मैम आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैम, मिनल मैम आपने भी हैंड रेज किया था. हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर. मुझे एक केस पूछना था, लेकिन अभी मेरे को ना हस्बैंड आ गए तो मैं रोटी बना रही हूँ, फिर मैं बाद में पूछूंगी. अच्छा, हमको भी खिलाना पड़ेगा. हम भी आइए. मैंने पनीर जल फ्रेजी बनाया है. अच्छा ठीक है, थैंक यू. मिनल मैम आप कुछ बोलना चाहती है? हाँ सर, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले सर डिस्कस करना शुरू किया था कि एक पेशेंट है, वो 8 मंथ्स बैक उनका एक्सीडेंट हुआ था, और सर उनका काफी सीवियर एक्सीडेंट था. वो उनका ब्रेन का डैमेज हुआ है उसमें, और उसके बाद उनके सर जो कंडीशन इस टाइम है कि वो पेशेंट चल नहीं सकते हैं. उनका पैर जो है, वो दोनों घुटने जो है वो बैंडेड फॉर्म में है, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं होते हैं, और स्पीच भी सर उनकी अब लॉस्ट हो चुकी है, और सेंसेस सब पूरे हैं. गट वाला सिस्टम पूरा प्रॉपर है, फूड प्रॉपर लेते हैं, और इवैक्यूएशन प्रॉपर है, वो सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन एक हाथ उनका नहीं उठता है, और दोनों पैर जो है पूरे स्ट्रेट नहीं हो पाते. तो सर कंडीशन काफी क्रिटिकल है, और वो पेशेंट मेरी पुरानी पेशेंट रही है. ज्यादा क्रिटिकल तो प्रशांत जी ठीक कर रहे हैं. हाँ सर, मैं वो केस डिस्कस हुआ था उस बारे में, मैंने प्रशांत जी से फोन करा था, पर उस टाइम डिस्कस नहीं हो पाया. मैंने कहा संभाषा में ही डिस्कस करती हूँ. और उसके अलावा सर मेन ये है कि जो इस टाइम पेशेंट है वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी उतना ज्यादा संपन्न नहीं है, क्योंकि पिछले 8 महीने से लगातार वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं. बैंक का एम्प्लॉय थे, तो स्टार्टिंग का तो जो पेमेंट था ऑपरेशन वगैरह का, वो सब तो बैंक वालों ने दिया, लेकिन अब जो वो है वो सेल्फ उनका जो खर्चा है वो चल रहा है. और उसके अलावा सर मैं सीटी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो ग्रुप में डालूंगी, काफी डिटेल है. और उनका जो मेनली सर वो मेरे पास आए कि नी का जो उनका स्ट्रेट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम आपके घुटने का ऑपरेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये पैर आपका सीधा ना हो जाए, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां है उसमें काफी मतलब खिंचाव है, वो उस टाइम काफी स्टिफ कंडीशन में है, तो वो पैर को सीधा नहीं कर पा रहे हैं. तो उनकी वाइफ जो मेरी पुरानी पेशेंट है सर, वो उनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस था बिफोर मैरिज, वो मेरे पास आती थी, और उसका रिमेटॉइड ठीक हो गया बिल्कुल. तो वो पेशेंट मेरे पे फेथ करके इसलिए आई कि मैम आपने मेरा जो उसका हिप जॉइंट का प्रॉब्लम था सर, उसका हिप जॉइंट फ्लेक्स और एक्सटेंड नहीं होता था, तो वो मैंने ठीक किया था. तो वो अब ये सोच के आई है कि मैम अब ये ओल्ड फ्रैक्चर केस जो है ये सब आप ट्रीट कर सकते हो कि मैं सर एक बार जो उसकी लेफ्ट नी की उनकी जो MRI की रिपोर्टिंग है सर थोड़ा सा बता दूं जरा. उसमें लिखा है सर फॉलो अप द ओल्ड फ्रैक्चर केस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लेफ्ट फीमर विथ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इन द वेसिनिटी एंड नॉन यूनियन एंड अंडरलाइंग क्रॉनिक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स एंड ऑफ द फीमर अपर एंड एंड द लोअर एंड ऑफ टिबिया फिबुला शोज द डिफ्यूज ऑस्टोपीनिया.
ये अभी उनका लास्ट जो 6 मंथ का MRI रिपोर्टिंग था उसका वो है। तो सर इसमें अब सोच रही हूँ कि करूँ इसको और किस तरह से शुरू करूँ। मैंने अभी सर जो शुरू किया है, मेरा जो मेन रहा है कि जो हमारा मांस धातु है और उसका जो स्ट्रेचिंग हुआ है उसको हमें रिलैक्स करना है। तो ब्रेन का तो सर मैंने नस्यम और शिरोधारा शुरू कर दिया है ब्रेन के लिए, और अभ्यंगम और स्वेदन, और उसके बाद में नाड़ी स्वेद, फिर बाद में सर षष्ठीशाली पिंड स्वेद, ये सोच के मैंने उस थेरेपी को स्टार्ट किया है अभी कि एटलीस्ट उसकी जो मांसपेशियां हैं उनको मैं रिलैक्स कर सकूं, तो उसका जो पैर है वो स्ट्रेट हो सके, और उसके बाद जो उसका नॉन यूनियन में पड़ा हुआ है मिडिल कॉन्ड्राइलस उस साइड में, वो उसका प्रॉपरली उसको ऑपरेट करने के लिए जा सके। जी मैं रिपोर्ट्स भेजेंगी तो मैं तो आपको अच्छे से बता पाऊंगा, मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, बाकी लोगों से पूछिए, मैं एक बार देख के फिर सोच के बता पाऊंगा। उनको संभाषा में लेके आइए ना उनको आप। हाँ वही तो, ऐसे केवल बताने से समझ नहीं रहा। हाँ बताने से नहीं, वो आप एक बार ले आइए उनको आप, और जब जिस दिन लेके आए उस दिन रिपोर्ट शेयर कर देना सबके सामने, तो डिस्कस हो जाएगा अच्छे से आपका केस। कल ले आइए उनको आप। सर हाँ लिंक दे देती हूँ उनको मैं ना, वो लिंक दे देती हूँ तो वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, है ना? हाँ, ठीक हाँ, है लिंक आप दे देना कल। केवल ऐसे बता रही है ना तो समझ नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं सर, वही मैं सोच रही थी कि इतना डिटेल रिपोर्टिंग और ये सब कुछ इतना इजी नहीं होगा सिर्फ बता पाने से, जब तक कि उसका फेस टू फेस आप लोग नहीं उसका केस टेकिंग करेंगे तब तक। तो सर मैं ट्राई करती हूँ कल उनको लिंक देके और उनको ज्वाइन करवाती हूँ सर, फिर उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं रिपोर्ट्स सर काफी डिटेल्स हैं, पर मैं फर्स्ट और लास्ट रिपोर्ट ऑफ सीटी स्कैन और जो ब्रेन ब्रेन का सीटी स्कैन है वो रिपोर्टिंग, और नी का जो उनका फ्रैक्चर वाला सेक्शन है उसका मैं MRI रिपोर्टिंग आज सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है ओके थैंक यू सर। डॉक्टर गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर KN गंगवार सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर बताइए। सर मेरा एक पेशेंट था जो मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, पंच प्राकृत बस्ती ले रहा था सर मैं। हाँ, तो हाँ। पहले दिन तो उसने ठंडा पानी पी लिया था, तो मैंने एक दिन बस्ती रोक दी, ब्रेशन देखे तो सही कर लिया सर। लेकिन फिर मैंने सर उसे लगातार जैसे आपने बताया था बस्ती लगातार आती, तो 11वें 12वें दिन सर क्या हुआ उसे अचानक पेट में जबरदस्त पेन होने लगा था। तो पूछा था मैंने आपको अनुवासन बस्ती थी इसका रिलीफ हो गया, लेकिन अगले दिन फिर से स्टार्ट हो गया सर। तो फिर मैंने उसे 10 मूल की और क्या कहते हैं आयरन और इस तरह की दोबारा निरु बस्ती थी, फिर रुक गया था 6-8 घंटे और दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो सर फिर मैंने क्या कहते हैं सूल गज केसरी रस दिया और क्या कहते हैं शिवाचार पाचन चूर्ण दिया, तब जाके उसका दर्द आज बिल्कुल नहीं है दर्द सर। तो सर मैं समझता हूँ क्या सर ये वायु का प्रकोप हुआ क्या हुआ सर? प्रकोप है लेकिन यहाँ पे आम भी बन रहे तो यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा कुछ दिन ये बस। नहीं वो तो रोक दिया सर, अब उसे दो दो तीन दिन तो भूख भी नहीं लग रही थी, अब उसे आज भूख भी लगी है सर। अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने शार दिया तो आम पच गया, कफ का आवरण जो था वो निकल गया। जी सर, लेकिन सर वो बता रहा है जो दर्द थोड़ा सा था वो लेफ्ट एरिया खोसान हो रहा था, अब वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, कमर में को हल्का था वहां पे स्टिफनेस थोड़ी थी कमर में को सर। तो सर आप इसमें लहसुन आदि बट्टी और नाभी पे हींग का पानी ऐसे लगा दीजिए, इरन तेल लगा दीजिए, हींग जला दीजिए, चून दे दीजिए, घृत पान करा दीजिए, कुछ आसवरिश दे दीजिए, मतलब वायु को रुक, जो मूड वायु रुक गया है वहां पे उसका अनुलोमन। ठीक है ना सर, अभी बस्ती मत दीजिए, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए। पेशेंट ने आपको बताया नहीं होगा कि उसने क्या और गड़बड़ किया है। अब सर जितना आप बस में बताया उसके अनुसार मैंने बताया आपको वहां से शेयर किया है, पेशेंट ने कुछ गड़बड़ किया है इसीलिए ऐसा हुआ है। तो सर क्या कहते हैं जैसे किसी को हम पंच प्रातः बस्ती दे रहे हैं सर, तो सर बीच बीच उसे क्या कहते हैं यार एक दिन अनुवासन बस्ती दी जाए, एक दिन पंच प्रातः बस्ती दी जाए सर, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि सर जो आपने आर्टिकल शेयर किया था ग्रुप में तो उसमें तो ऐसे का त्रिफला भी तेल की पत्ती दे दिएगा एक दिन अनुवासन। मैंने भी यूज किया, मेरे पेशेंट में तकलीफ नहीं होता, मेरे पेशेंट परहेज पालते हैं पूरा। आपके पेशेंट परहेज कुछ ना कुछ वेगा विरोध कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, लेट उठ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है।
विहारात्मक तो गड़बड़ है, ठीक है, तो आप ऐसा करिए अल्टरनेट डेज दीजिए फिर बताएगा जी सर। अल्टरनेट डेज दीजिए, अभी नहीं दीजिए, पहले आप दीपन पाचन करके वायु का अनुलोमन करके बाद में फिर अल्टरनेट डेज दीजिएगा बस्ती। थैंक यू सर, प्रभात। थैंक यू, इतने स्टेप करना था, जो भी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सबसे डिस्कस किया यार। किससे? आपसे सर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर प्रभात पंडा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर सर नमस्ते। हाँ सर बताइए। सर मेरा एक भी प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा पूछना था। तो सर मेरा एक लेफ्ट इलियक रीजन में थोड़ा पेन है और ये 2 महीने पहले भी था सर, वो अल्ट्रासाउंड किया था उसी टाइम सिस्टाइटिस थोड़ा था और माइल्ड प्रोस्टेटोमेगाली था, तो उस टाइम तो एंटीबायोटिक कुछ दिए थे वो भी लिया था और सुकमा त्रिफला एकेटी कुछ दिन लगातार लिया हुआ 1 मंथ, कम ठीक मतलब पेन नहीं था बीच में, एक लास्ट 1 मंथ से 2 दिन हुआ थोड़ा थोड़ा माइल्ड पेन है, तो सिस्टाइटिस फिर डेवलप हुआ होगा या अभी का क्या न्यू कंप्लेन होगा? क्या करें? पेन या फिर वायु कुछ ना कुछ से रुका है तो अच्छा। आप ना क्या करिए, थोड़ा मात्रा बस्ती ले लीजिए ना सर। ठीक ठीक है सर, खीर वाला का लूं सर? है हाँ, मात्रा बस्ती ले लीजिए, अभी खाना वाना खा के आज ही ले लीजिए, सुबह तक अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। और सर ये मात्रा बस्ती सर जो है क्या कहते हैं, बगैर खाना खाए ले रात को ले सकते, जैसे मान लो किसी के पेट में वायु भरी हुई है उस कंडीशन में ले सकते हैं मात्रा बस्ती की? वायु सुबह नहीं 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 वायु भरी हुई है और कुछ नहीं खाए और आप दे रहे हैं ऊपर आ जाए, नहीं देना चाहिए, कुछ खिला के देना चाहिए। तो इस कंडीशन में निरू बस्ती देना चाहिए फिर ना सर? हाँ निरू बस्ती से हवा निकाल दे दीजिए और उसके बाद में फिर खाना खिला के फिर दीजिए। कभी भी भूखे पेट नहीं देना है, तेल का मात्रा बस्ती भी है तो भूखे पेट नहीं देना है, खिला के ही देना है। मैंने एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया 2005 में, उसने नहीं और उसने बस्ती ले लिया और उसके मुंह से तेल तेल आने लगा, इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ। सर ओरली और कुछ लूं सर? क्या सर ओरली बस्ती देंगे कुछ तो... एक करके एक मिनट प्रभात जी का पहले सॉल्व होने दीजिए। आप सर ओरली कुछ लूं अगर पेन ज्यादा हो रहा है तो आप भी ये मैंने बताया ना लहसुन आदि बट्टी हिंगवाष्टक चूर्ण या कोई ऐसा वरिष्ठ ले लीजिए। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अमिनल मैम आप क्या बोल रही थी? हाँ सर, जैसे कि आप बता रहे हैं निरू बस्ती के लिए पेशेंट को बुलाएं एम्प्टी स्टमक सुबह और उसके बाद में उसको निरू बस्ती दे के उसे अभ्यंगम स्वेदन थोड़ा सा कराते हैं उसका स्टमक का, उसके बाद में निरू बस्ती दे के और वहीं पर उसे खाना खिलवा के उसी 1 आवर के अंदर ही उसको तभी अनुवासन बस्ती दे दी जाए। मात्रा बस्ती दे सकते हैं? मात्रा बस्ती 30 ml वाली सर, 30 ml 50 ml 100 ml दे सकते हैं, लेकिन पेट में हवा भरा है आदमान है और आपने तेल का बस्ती दिया तो और आदमान बढ़ सकता है ना। शाम को दे सकते हैं उसको आप, सुबह मत दें आप, शाम को 6 घंटे 8 घंटे बाद दे दें। सर दोबारा पेशेंट कहाँ आता है, वो एक बार में एक दिन में एक ही बार आ जाता तो वो मतलब ये होता है। और अगले दिन दीजिए ना, वही होता है नेक्स्ट डे के लिए रखती हूँ, फिर मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए प्लान करती हूँ। तो सर ये पूरा जो 24 आवर्स का टाइम निकल गया तो ये प्रैक्टिकली तो यही होता है बट थियोरेटिकली ये सही है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि एक दिन मॉर्निंग में बोला के मैंने निरुवस्ती दिया उसका पूरा बेगम सिदन करके निरुवस्ती दिया, उसके बाद उसको बोला कि हल्का खाना खाना है, उसने वो खाया। नेक्स्ट डे जब वो आता है तो उसको मैं खाना खा के बुलवाती हूँ और फिर मैं उसको अनुवासन मतलब बस्ती देती हूँ मात्रा बस्ती, ये सिस्टम रहता है सर। तो ये आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ये सही है एकदम, मेरे हिसाब से एकदम सही है। कभी देना भी पड़े अगर इमरजेंसी में जैसे किसी को देना है आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह निरुवस्ती दे दें और शाम को 6 घंटे बाद उसको अनुवासन दे दें और तो अगर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर जैसे निरु देने के बाद भी हवा नहीं निकला मतलब वायु नहीं प्रतिलोमित हुआ अनुलोमित नहीं हुआ तो वो जो मैंने बताया था ना मुकेश साहू जी को दूध का मदन फल डाल के और उसका बस्ती दे दें वो अच्छे से शोधन कर देता है। मात्रा में मदन फल डालना आप 100 ml या 200 ml दूध लीजिए और उसमें थोड़ा मदन फल डालिए, थोड़ा बॉईल करिए चाय की तरह और उतना बस्ती दे दीजिए
वो देने के बाद आपको 10-15 मिनट में पेशेंट को ऐसा फील होगा कि प्रेशर आ रहा है, 3 बार उसका प्रेशर आएगा, पूरा हवा निकल जाएगा, वायु निकल जाएगा, वायु अनुलोमित हो जाएगा और मल भी निकल जाएगा और पेट दर्द ठीक हो जाएगा। 100 या 200 ml तक देते हैं, उन्होंने मुकेश जी ने 200 ml दिया था सर। उसमें मुझे उसमें सिर्फ दूध और मदनफल ही लेना अकेला? हाँ बस, उसको दशमूल में मिला सकते हैं। हाँ, शीरपाक बनाए, मैं तो उनको यही बोला था, दशमूल बोला था मैंने उनको। हाँ, दशमूल बात का पर दशमूल, हाँ दशमूल के क्वाथ के संग शीरपाक बना दिया जाए दूध का, और उसके हाँ, संग मदनफल, मदनफल ऐड कर दिया जाए। सर मदनफल की मात्रा यहाँ पर 5 ग्राम काफी रहेगी? नहीं नहीं, ज्यादा रहेंगे तो पेट में मरोड़ आने लगता है बार बार को। कम और कम सर, 5 ग्राम ठीक है। गंगवार सर आप भी ऐसे ही करिए, दशमूल जी सर, और इसका बस्ती दे दीजिए दूध का। इसमें घर भी तो बनाना पड़ेगा सर। फिलहाल सर मैं तो क्या सुनकर देखने रहने का पेन रोक दिया, अगर अब आज से कोई पेन नहीं हुआ, आज एकदम कंफर्टेबल आया। इसमें घी डालने की जरूरत नहीं, अगर आपको ज्यादा दिन देना है तब घी डालिए, एक दिन इमरजेंसी में डालना है तो घी की जरूरत नहीं है। सर मुझे भी एक पेशेंट का पूछना था सर। एक पेशेंट है, उनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है और राइनाइटिस भी है। आज वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आए और उनको बहुत सीवियर हेडेक था, तो मैंने आपका जो शीरबला ऑयल है उससे उनको अराउंड 10 ml उनको दे दिया उनको। तो शाम को वो नॉर्मली मेरे से मात्रावस्ती लेते थे, तो मेरा ये पूछना था कि मैंने उनको दिन में दोपहर को उनको उससे थोड़ा सा उनको ये हुआ कि छींक के आना बंद हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके पाइप बोले कि बहुत कंटिन्यूस इनको स्नीजिंग हो रहा है। सर वो मेरे दिमाग में उस समय आया नहीं, तो मैंने ये शीर वाला मेरे पास था तो मैंने उनको उस समय वही दिया, और उसके बाद दोपहर को वो दोबारा आए कि मेरा छींके तो बंद हो गई है बट मेरा हेडेक नहीं ठीक हुआ, तो फिर मैंने 10 ml और दिया। तो आज मैंने उसको 20 ml ऑयल दिया, तो मात्रावस्ती मेरे को डाउट था इसलिए मैंने किया नहीं। तो क्या हम उस दिन मात्रावस्ती कर सकते हैं? मात्रावस्ती करके भी मैं तो, आप मेरे क्लिनिक में आके देखिए, मैं आज भी मात्रावस्ती दे के फिर नस्य दिया 15 ml दो टाइम, मतलब 15 ml दिया फिर मात्रा। मतलब इसको सुबह शाम कर सकते हैं, क्योंकि वो बोला कि अब तीसरी बार नहीं मैं आ सकता, तो हम उसको सुबह शाम कर सकते हैं कि जैसे नस्य दिया उसके थोड़ी देर बाद ही मात्रावस्ती दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, या मात्रावस्ती दे के नस्य दे सकते कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी दिया वो अच्छा है, लेकिन आपको वो स्ट्रॉन्ग वाला देना चाहिए था शिरो विरेचन। कल सर वही दूंगी, कल वही दूंगी, और शाम को उसकी मात्रावस्ती करूं या उस समय भी कर सकते, क्योंकि उसको आना जाना उसको बहुत ये प्रॉब्लमेटिक लगता है कि बार बार आना। मेरे पास पेशेंट एक टाइम आ सकते हैं, एक टाइम मैं घर पे बोलता हूं कि आप खुद घर पे डालिए, एक टाइम मेरे पास आइए। ठीक है सर, तो उनको मतलब मात्रावस्ती देकर फिर हम नस्य मतलब उसको प्रॉपर पूरा डोज में 10-20 ml हम कर सकते हैं? मात्रावस्ती देने के बाद तो लेटना ही है उसको आधा घंटा। ठीक है, तो उस दौरान हम नस्य कर सकते हैं? इसका भी टाइम बचता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, मैं करता हूँ 120 ml दे देता हूँ, मतलब मैं 20 ml नस और 100 ml की मात्रावस्ती, 120 ml तुरंत देने देता हूँ, उसके बाद कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते उसमें। पहले मात्रावस्ती दे रहा, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर जो मर्श नस से हम 10-20 ml जितना देना है वो दे दें? हाँ हाँ, पहले आप मात्रावस्थी दे दें, उसके बाद जब आखिरी में जब आपकी पूरा एक्टिविटी। आज सर आपका ऑयल बहुत ही अच्छा है, आज उसको इमीडिएट रिलीफ हुआ उसका, मतलब ना छींके तो उसी समय बंद हो गई थी और उसके आंख में से पानी आने लगा, मतलब ना, और तीन चार ड्रॉप शब्द और तेल डालेंगी ना वो कहाँ कहाँ तेल जा रहा है ऐसा फील होगा उसको, पूरा खुल जाएगा उसका। कल सर वही डालूंगी, तो वो भी 10 से 20 ml तक डाल सकते हैं वो भी? आप सर कल कभी आएंगे तो मेरे को मन करे कि मैं आपको डालूं, आपको दिखाऊं कि क्या फील है। ठीक है सर, नहीं मैं कल उसको डालूंगी, वो भी है मेरे पास आपका, कल उसको वही डालूंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। शशि मैम आपने हैंड रेज किया है, शशि मैम, शशि तिवारी मैम खाना खा रही हैं, खिला रही हैं, हैंड रेज किया है। और किसी, आशा मैम आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा? आशा मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आज मैम को वो दोशर बस्ती मैम का पेंडिंग है, मुझे मिला नहीं उसका रेफरेंस, तो वो एक बार बता दीजिए वो एक फादर के लिए बता देंगे। मैम ने बताया था सुश्रुत में है, अभी मेरे पास सुश्रुत में नहीं है। मैम ने बस्ती चिकित्सा में बताया था, मैम कल बता देंगे, कोई बात नहीं, तो मैं बता रही हूँ। जी सर, थैंक यू।
नमस्ते सर, सर एक छोटा सा डाउट था। सर जब हम पंचतिक्त क्षीर बस्ती देते हैं स्मॉल अमाउंट में ताकि वो रिटेन हो मतलब थोड़े ज्यादा समय के लिए, तो सर उसको मतलब अनुवासन के रूल फॉलो करते हुए देना है कि निरुके यानी खाली पेट देना है या खाने के बाद देना है पेशेंट को? अगर आप निकाल के दे रही है तो अनुवासन के रूल फॉलो करिए, खाना खिला के दीजिए। सॉरी सर क्या? अगर आप उसमें घी डाल के दे रही है, घी भी डालते हैं? यस सर, यस सर। तो आप उसमें अच्छा तो खाना खिला, हाँ आपको रिटेन कराना है तो खाना खिला के ही देना। मैम उसमें ये जो आप बता रहे हैं आप एक्चुअली दो कंफ्यूज कर रहे हैं, एक होते हैं तिक्त शीर बस्ती जो सर बताते हैं जिसमें चार कंटेंट्स रहते हैं, और एक पंच तिक्त शीर बस्ती। जो पंच तिक्त शीर बस्ती होती है वो शोधन और शमन दोनों का काम करती है, तो उसमें क्योंकि घी भी रहता है 100 ml तक घी रहता है और वो प्रॉपर 600-700 ml रहता है। हाँ अगर आप वो दे रहे हैं तो वो मतलब तो वो मतलब निरुह के जैसा हो जाता है। हाँ वो निरुह के जैसे होगा और वो एम्प्टी स्टमक हम देंगे तो उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम तिक्त शीर बस्ती दे रहे हैं उसकी मात्रा 100-150 ml रह रही है, उसमें हम डिजीज के अकॉर्डिंग घी डाल रहे हैं, जैसे मेरे वाला सर ने कैंसर का पेशेंट का बताया था तो 30-40-50 तक मतलब ऐसे घी हम दे रहे हैं, तो उसको हमने मात्रा बस्ती जैसे देना है, जो अनुवासन बस्ती वैसे देना है, और उसको भोजन के बाद देंगे। और मैं प्रेफरेबली क्या करती थी, अभी भी सर ने अभी मेरे को रिसेंटली भी एक केस में गाइड किया है, तो मैं प्रेफरेबली शाम को देती हूँ ताकि पेशेंट का रिटेनिंग उतना ही ज्यादा हो, क्योंकि वो उतना ज्यादा हलचल नहीं रहेगी बॉडी में और वो आराम से पड़ा रहेगा तो उसके रिटेंशन ऑलमोस्ट पूरी रात ही रहता है फिर, तो और अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। अच्छा यस मैम, पर मैम एक ये डाउट था कि अगर पूरी रात मतलब जैसे रात को अगर अनुवासन देते हैं तो मैम वो अनुवासन नहीं वो मात्रा की तरह काम कर रहे हैं, वो अनुवासन ही, अनुवासन तो हम 150-200 तक भी हम चले जाते हैं, और अनुवासन में अनुवासन निरु अनुवासन ऐसा करके योग काल कर्म ये चीज अलग है जी मैम जी, जो हम वो दे रहे हैं इसीलिए तो हम इतना लंबा सर कितने केसेस में सर ने मेरे को बताया, तो वो लंबा हम दे रहे हैं ना, एक महीना दे रहे हैं ऐसा दे रहे हैं ऐसे मतलब 3-3 महीने दे रहे हैं, तो उसकी डोज ही बहुत कम है। हाँ मतलब इसका मतलब बस्ती से 30-40 ml तक तो बहुत इजीली पच जाता है, यानी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, उससे ज्यादा भी पच जाता है। ये अभी जो मैंने केस डिस्कस किया इसको मैंने फर्स्ट डे ही 75-80 ml दिया ऑयल का, हाँ ऑयल का दिया 75-80 ml दिया, उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा था और सुबह मतलब 14 hours तक उसका रिटेन किया, तो पेशेंट आते हैं मतलब ऐसा होता है उनमें मतलब बहुत ज्यादा वात का वृद्धि हो जाता है और सडन उसको एकदम पेन और स्टिफनेस उठा, तो मैंने उसी समय मेरे पास कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने वस्ती ही दिया, तो उसका 14-16 hours टिका उसका, और मॉर्निंग में पेन भी शाम के टाइम पे दिया था। हाँ मैम इवनिंग के टाइम दिया था मैंने, 7-7:30 दिया था। मात्रा वस्ती किस ऑयल से दी थी आपने? सर मैंने दो ऑयल्स मिला के दिए थे, एक तो मैंने उसमें सैंदावादी ऑयल दिया था और एक निर्गुंडी तेल। केस मैडम किस चीज का केस था ये? मैम सर उनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था और उनको सीवियर पेन था सैक्रोइलियक जॉइंट में ना, जब वो आए थे तो वो बहुत पेन से तड़प रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि चला भी नहीं जा रहा है मेरे से। जी जी सर ठीक है, कितना अच्छा बताया आपने। सर मुझे एक केस के कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछना। थैंक यू मैम, पूछिए पूछिए। सर मेरा एक वात्र का पेशेंट था ना, सुबह के केस में मतलब सेशन में डिस्कस किया था, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि उनको पाइल्स भी है। अब मैंने उनको विरेचन के लिए प्रिपेयर किया, थोड़ा लंघन करा के आम पाचन करा के, तो अभी बोल रहे हैं मेरे को पाइल्स बढ़ गए हैं, मतलब थोड़ा फूल गए हैं, तो सर अभी इसमें क्या करा है? मैंने तो उनको आवाज नहीं आ रहा है आशा मैम। हाँ सॉरी, हाँ मेरा एक वात्र का पेशेंट था, फीमेल पेशेंट है 48 years old, तो उनको है ना उत्तान वात रक्त है और स्किन में भी थोड़ा इरिटेशन इचिंग वगैरह था। तो पेशेंट मेरे पास आई थी स्किन के प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें से हिस्ट्री लेने से पता चला कि उनको वात रक्त भी है,
तो मैंने उनको विरेचन थोड़ा और लंघन कराने के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन पेशेंट ने हिस्ट्री बताया नहीं कि पाइल्स भी है, क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ पाइल्स भी है, तो कॉन्स्टिपेशन सीवियर था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा विरेचन के अंदर घृतपान वगैरह करा के फिर वो भी मतलब कॉन्स्टिपेशन का बताया, पाइल्स का नहीं बताया। तो अभी 3 दिन से उनका लंघन आम पाचन चल रहा है। तो अभी आज शाम को पेशेंट का फोन आता है कि मैडम मेरे को तो हेमरॉइड्स बढ़ गए हैं। तो मैंने बोला आपने मेरे को बताया क्यों नहीं, तो बोले मैं भूल गई। तो अब सर इसमें मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि पेशेंट बॉम्बे में है और बोल रहे हैं कि 2 दिन तक उनको कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला बॉम्बे में तो काफी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप अर्शोगनी वटी या फिर अर्शर कषाय अभरारिष्ट वगैरह ले सकते हैं। तो बोले नहीं, मेरे को घर का कुछ बताओ जो घर में अवेलेबल है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। तो ऐसे किस में क्या करें सर? मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा जीरा सौंफ और अजवाइन इसको पाउडर करके घी के साथ ले लीजिए, और थोड़ा गुनगुना पानी करके घी के साथ मतलब इसमें घी डाल के पी लीजिए, और थोड़ा दूध के अंदर हल्दी और घी डाल के पी। वो क्या अनुलोमन कराना है? अनुलोमन हो जाए, अनुलोमन कराना है, अनुलोमन ही कराना पड़ेगा, और क्या कराएंगे। मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, इसलिए आप क्या करिए, केवल पेट साफ करना है ना, तो नींबू पानी बनाइए, नींबू शरबत और उसमें नमक डाल के पिला दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। मैम पेशेंट का घृतपान शुरू हो गया है क्या विरेचन के लिए? नहीं नहीं, घृतपान नहीं करा है, दो तीसरा दिन है लंघन का, लंघन के साथ आम पाचन वटी शुरू कराई है। तो अभी घृतपान तो मुझे कल से शुरू करना था, लेकिन मैंने बोला अभी आज रात से कर दो, क्योंकि उन्होंने मेरे को पाइल्स का बताया नहीं था। अगर पाइल्स का रहता तो मैं हमेशा कराती हूँ घृतपान शुरू से ही। उसको पाइल मास है क्या? हाँ है ना, पाइल मास है, मतलब छोटा है बड़ा है क्या ग्रेड का है? 3 पाइल मास है, बोले टैग अभी मतलब बाहर निकल रहे हैं, पहले तो इनर वॉल पे ही था, इंटरनली था, लेकिन अभी आज से बोले बाहर थोड़ा निकल रहा है। मतलब अगर मतलब उसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, फिशर का टैग है उसकी वजह से मसला है कि वो पाइल्स का मसला है? इंटरनल पाइल्स है, वो 3 साल पहले इंटरनल है था मेरे को। तो ब्लीडिंग भी होती होगी उसको? नहीं अभी तो ब्लीडिंग नहीं है, पहले हुई थी, पहले जब 3 साल पहले कराई थी। लेकिन अभी मुझे बेटे को सीए की एग्जाम दिलाने के लिए गए हैं बॉम्बे, वहाँ पे रुके हुए हैं, 15-20 दिन रुकेंगे बोले। आप तकर को थोड़ा गर्म करके दीजिए ना पीने के लिए। हेलो हेलो, हाँ पूजा मैम बोलिए। हाँ आशा मैम, आशा मैम सुनिए मेरा बात, उसको पेशेंट को दवाई नहीं खाना है और पाइल्स का भी कम करना है आपसे, और गर्भवती मांग रहा है वो घरेलू नुस्खा, तो आप उसको है ना योगा रत्नाकर का एक रेफरेंस में बताती हूँ, और मैंने तो पिछले 3-4 साल में मुझे 100% रिजल्ट मिला है। इसको क्या कीजिए, सर जो बोल रहे हैं ना तकर का, वही है योगा रत्नाकर में, 2 चम्मच कर्ड लीजिए, 2 ग्लास पानी डालिए, सेंधा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, इसको पूरा और हिंग, इसका कॉम्बिनेशन उसको डालने के उसको दिन में 2 बार लेने के लिए बोलिए, और सूरन, सूरन सब्जी आता है। हाँ, सूरन का तो पता, अभी उसको एलिफेंट, हाँ एलिफेंट प्लांट, हाँ वो वेजिटेबल उसको अल्टरनेट डे खाने के लिए कंपलसरी बोली है। हाँ, अल्टरनेट डे कंपलसरी उसको बोली, लेकिन पेशेंट ने हिस्ट्री छुपाया, इससे मेरे को दिक्कत है। अगर आप, अरे मैडम मेरे पास ऐसे पेशेंट मतलब आपको इतना सीरियस आपके पेशेंट है, छुपाते हैं, हमारे भी छुपाते हैं। नहीं नहीं सर, वो ये मैडम अब क्या करूं? नहीं सर बराबर है मैडम, है ना ऐसा, मतलब मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, पेशेंट बहुत से चीजें कभी सेकेंड विजिट में बताते हैं, मतलब होता है ऐसा कभी कभी, आप ट्राई कीजिए। कई लोग तो पहली बार भी नहीं खुलते हैं, पता चलता है दूसरी बार में, धीरे 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 एक ही कंप्लेंट ऐड कर, पहली बार में समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते कई पेशेंट ऐसे भी होते कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं, आपने बताया बहुत बढ़िया, इतना कहानी सुनाते हैं, एक ही चीज को 100 बार बोलते हैं कि घुटने, करेक्ट करेक्ट सर, मतलब वो स्किन का ही मेरे को बता रही है, शुरू से जब से मुझसे मेरे पास आई है कंसल्टेशन के लिए, 2 साल पहले भी आई थी तभी भी वो स्किन का ही प्रॉब्लम बोल रही थी कि मेरे को इतना ड्राइनेस हो जाता है, मतलब इचिंग होता है, बॉइल्स होता है ये सब, तो तभी भी उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि मेरे को ये पाइल्स का प्रॉब्लम है, ये उनको दीजिए मैम। भी एक बार स्ट्राइक होता ना कि हाँ इसको पाइल्स है, तो हम सुंठी सिद्ध ग्रीस नहीं दे सकते हैं, सुंठी सिद्ध जलपान से ये सब उष्ण जल वगैरह नहीं दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं करती हूँ ये तकर वाला प्रयोग में, और आप जो शोधन का पूछ रहे थे ना कि उनका चालू रखना है या क्या करना है,
तो मैंने नवीन जोशी सर का पंचकर्मा का क्लास भी ज्वाइन किया है, आज ही हमारा संभाषण हुआ। तो सर क्या बोलते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या किसी कारणवश हमको रोकना पड़ा ये स्नेहपान या फिर मेन प्रधान कर्म, तो आप वहीं पे रोक दे सक, रोक करके एज पर डिसीज वाइज सिम्टोमेटिकली उसको शमन चिकित्सा पे डालिए। तो मैं वही करूंगी मैम, अभी तो मैं पंचकर्म बिल्कुल उनको प्रिफर नहीं करूंगी, जब तक कॉम्प्लिकेशन सबसाइड नहीं होते हैं तब तक तो बिल्कुल नहीं सोच सकते इसके बारे में। ठीक है, अभी लेट हो गया है, अभी सबको भूख लगी है, तो हम कल मिलते हैं, कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि बात खत्म ही नहीं होगा फिर, है ना, सबको नींद भी आ रही होगी। थैंक यू आशा मैम, हम सुबह मिलेंगे अब सब लोग, तो देखेंगे। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर।